Hey yeah. Bye लाइफ विद अनमोल हाई लाइफ विद आई एम फर्स्ट ये वेलकम है आपका मेरी लाइफ में थैंक यू सो मच एंड लाइफ विद अन फर्स्ट लाइक कॉमेंट थैंक यू सो मच और आपका वेलकम है मेरी लाइफ में कैसी हो लाइफ इधर मोल आप अपनी सुनाओ क्या हाल है आपका आपकी तरफ वेदर कैसा है यहाँ पर तो माशाल्लाह से अच्छा है धूप निकली हुई है थोड़ी थोड़ी आ जा रही है लेकिन है

कुकिंग कॉर्नर आफ इसमत ने ज्वाइन किया अस्सलाम वालेकुम सिस्टर वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया जजाक अल्लाह खैर कुकिंग कॉर्नर आफ इसमत कह रही है मैंने लाइक डन कर दिया थैंक यू सो मच आपने आप सब ने कहे बगैर ही लाइक डन कर दिया थैंक यू सो मच अपना लवली कब यू कह रहे ठीक अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुकिंग कॉर्नर आप इस मत कह रही है आप कैसी है सिस्टर जिजाक मैं बस ठीक गुजारा चल रहा है थोड़ा सा भी भी जो है जुकाम है लेकिन काफी बेहतर हूँ आगे से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चलता रहता है साथ बच्चे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इस दफा जुकाम की पकड़ में मैं आ गई पहले लाइव अनमोल और अपना बमी कभी झूके और इसमत आप चेक कर लो आग, कोई न्यू है आपके लिए तो प्लीज़ एक दूसरे को ज्वाइन कर लेना लेकिन यह के बता कर जाना जिसकी तरफ भी जाओ प्लीज़ कुकी कॉर्नर आप इस मत कह रही है क्या हो रहा है सिस्टर चाय पी ली <laughs> नहीं आज सिस्टर मैंने चाय नहीं बनाई आज मैंने कहवा एक तरह से बनाया वह ठहर में दिखाती हूँ आपको <laughs> और हलीमा को अभी मैं वो नाश्ता करवा रही हूँ साथ, साथ ये है आज जिंजर टी हनी जिंजर और लेमन मिक्स ये मैं आज साथ साथ ले रही हूँ क्योंकि कॉनर आप और मेरी प्यारी सिस्टर साहब कहाँ रह गई है आहिस्ता आहिस्ता करेंगी इनशाला पांच मिनट है माशाल्लाह आप सबने जल्दी ज्वाइन किया है बहुत अच्छा लगा सोच इंसानियत साथ है लाइक डन थैंक यू सो मच भाई आपने ज्वाइन किया जजाकल्ला लाइव विद अनमोल कर रही है मेरे पास मौसम बहुत गर्म हो गया है हैदराबाद पाकिस्तान में रात को तेज़ बट्टी का तूफान आता है ओ हो 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 अल्लाह रहम करे अनमोल अल्लाह ताला रहम करे फिर तो वाकई मट्टी आए तो इससे तो बहुत बुरा हाल होता है कुकी कॉर्नर कह रही है लाइव विद अनमोल सिस्टर मेरे लिए ओल्ड गोल्ड है अच्छा कुकी कॉर्नर माशाल्लाह नाइस थैंक यू सो मच Uh, अपना के आप uh, आपने जिन जिनको बै करना है वो आप प्लीज़ uh, uh, कर देना आज अगर नहीं किया तो एक दिन बाद करना होता है लेकिन आज uh, मेरा ख्याल है फ्राइडे वाले दिन के बाद आज मैं लाइव कर रही हूँ तो नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं और uh, कुकिंग कोनर ऑफिस मत कर रही है सोच इंसान भाई आप कैसे हैं लाइफ लाइफ विद बॉल कह रही है सिस मैं कुछ दिन बहुत बिजी थी आज फ्री हो के सब चैनल पे जाऊंगी और सबकी वीडियो को वाच करूंगी इन इट्स ओके लाइफ विद अनमोल बाकी सबकी लाइफ बहुत बिजी है मैं समझ सकती हूँ आप सुन सकती है साथ मेरा क्या हाल होता होगा <laughs> सोच इंसानियत अलहमदिल्ला कुकी कॉर्नर आप सुनाओ कैसी है तो मैं भी दो दिन सैटरडे और संडे बहुत बिजी डेज थे वैसे भी वीकेंड में बच्चे भी घर होते हैं हस्बैंड भी तो बहुत ज़्यादा बिजी डेज होते हैं तो इसलिए मैं फिर लाइव नहीं आती मंडे से दोबारा से काम पूरे जोश और खरोश के साथ शुरू आज तो मेरे बहुत सारे काम थे अभी भी कुछ रह गए हैं लॉन्ड्री मैंने लगा दी है मौसम अच्छा था तो यूके वाले जो रहते हैं यूके में उनको पता है यहाँ पर जैसे मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो हमारी पहली जो सोच होती है यही होती है कि आज कपड़े वॉश करने वॉशिंग वाला काम करना है लाइव विद अनमोल कह रही है राइट डियर असमत इसमत सिस्टर और कुकी कॉर्नर ऑफ इसमत कह रही है लाइव विद अनमोल गुम आए गम आए बहुत अच्छी वीडियो आ रही थी आपकी गम आए बहुत अच्छी वीडियो आ रही थी आपकी अच्छा वो वाली वीडियो मैंने अभी नहीं देखी फिर मुझे लगता है कि एक वीडियो मैंने इनकी देखी थी कुकिंग ओनर ऑफ इसमत कह रही है अलहमदुल्ल बाई लाइफ विद अनमोल कह रही है थैंक यू सो मच डियर असमत इसमत, इसमत। सोच इंसानियत साथ साथ है थैंक यू सो मच सोच इंसानियत भाई आप हमेशा साथ देते हैं अल्लाह खैर अल्लाह ताला बहुत सारी कमयाबियां दे आप सबको आजकल सारे डीमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि सबके गिफ्ट्स काफी गिर रहे हैं मेरे भी कल परसों से गिर रहे हैं एक भी नहीं बड़ा जितने भी आए उससे डबल चलेंगे सोच इंसानियत आमीन बस हिम्मत नहीं आनी लगे रहना है इनशा एक ना एक दिन हमारा भी आएगा डोंट वरी हिम्मत मरदा मदत खुदा सभी फातिमा ने ज्वाइन किया वालेकुम सिस्टर वाले अस्सलाम थैंक यू सो मच आप आई जजाकला एन सी बी फातमा अलाक कह रही है कैसी है आप अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ आप नहीं सुनाए सी बी आप कैसी हो विद अनमोल कह रही है सिर्फ मेरी कज़न की शादी है इसलिए शॉपिंग में टाइम गुजर जाता हाँ 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 शॉपिंग वाली वीडियो मेरा ख्याल है मैंने आपकी देखी थी हाँ मैंने कमेंट भी छोड़ा था उस वीडियो पर जिसकी वीडियो मैं वाच करती हूँ उसको कमेंट मैं ज़रूर करती हूँ तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियोज़ पर जब भी आओ ना कमेंट ज़रूर छोड़ना इससे मुझे याद रहती है अगर वीडियो मिस हो जाए तो फिर कमेंट देख के मुझे याद आ जाती है फिर मैं चेक जरूर करती हूँ फिर तो सी बी फातिमा कह रही है हाँ जी मैं ठीक हूँ दैट्स गुड कोकी कॉर्नर बात कह रही है सी बी फातिमा आप कैसी है सिस्टा सी बी आप से कोकी कॉर्नर ऑफ पूछ रही है कि आप कैसी है सी बी फातिमा करिए सिस्टर कुकी को ऑफिस बता कह रही है सीबी फातिमा वाले अस्सलाम डियर सीबी फातिमा व्लॉग्स कह रही है हाँ जी मैं ठीक आप कैसी हो इसमत सिस्टर खलीमा हाउ आर बेबी कम इन जस्ट टैबलेट जस्ट टॉपस्ट टैबलेट से लो आला किचन ने ज्वाइन किया है वालेकुम सिस्टर एंड ऑल फ्रेंड्स वालेकुम अस्सलाम आला आंटी कैसी है आप अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक है ऐसे भी फावाफ करिए अटोल कम होम Uh, सीबी फातमा आपको बुला रही है लाइफ विद मॉल अगर आप इनके लिए न्यू हैं तो प्लीज़ uh, इनकी वीडियो पर जाए और आपने आपको रूल्स पता होंगे तो आपने प्लीज़ रूल्स फॉलो करने हैं और uh, कुकिंग कॉर्नर ऑफ इस बत क्या रखी है सीमी फातमा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर लाइफ विद अनमोल सोच ब्रदर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ आज इंशाल्लाह तो स्वच्छ इंसानियत भाई अगर आप साथ हैं तो लाइफ इधर बोला आपकी तरफ आएगी आज कुकी कोर्डर आफिस मत कह रही है सिस्टर मेरे भी बहुत काम रहते हैं रहे हैं मेरे रहे है। हाँ, कट रहे हैं जी हाँ सबके कट रहे हैं बुरा हाल है दिल को कुछ कुछ होता है जब कटते हैं अच्छा जी अला किचन कह रही है लाइक डन के साथ जजाकल्ला है आंटी अल्लाह ताला आपको सेहत और तो तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे थैंक यू क्योंकि कॉनर ऑफिस कह रही है अला किचन कैसी है आप आंटी फातिमा व्लॉग्स कह रही है वाले आला आंटी सीमी फातिमा व्लॉग्स कह रही है लाइक डन थैंक यू सो मच सीमी सोच इंसानियत कह रहे हैं वेलकम लाइक विद अनबॉल कह रही है हाँ हाँ सिस मैं भी सिर्फ कमेंट देख के सबके चैनल पे जाती हूँ जी हाँ कमेंट्स जो है बेस्ट वे होता है याद इसी वजह से रह जाते नहीं तो इतने सारे काम होते हैं वो माशाला से इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं कि सबकी वीडियोस पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है याद भी नहीं रहती तो इस तरह जो आते रहते हैं याद दिलाते रहते हैं उनको तो फिर हम विजिट करते रहते हैं न आला किचन कह रही है वालेकुम अस्सलाम ऑल फ्रेंड्स कुकिंग कॉनर आफत कह रही है हाय सिस्टर सबके कमेंट्स कॉमेंट्स देख कर हम भी सबकी वीडियो पर जाते रहते हैं जी हाँ तो इस तरह से हमें पता भी चलता रहता है कि कौन हमें व्यू दे रहा है और कौन नहीं तो इससे भी जाना हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है कुकिंग कॉर्नर आप मत कह रही है बी फातमा अलहमदिल्ला सिस्टर अला किचन कह रही है मैं ठीक हूँ आप कैसी है इसमत मैं किचन में नहीं हूं इधर कमरे में आ गई थी और हलीमा यहाँ पर है साथ में तो किचन में थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए आज मैंने सोचा कि इधर आ जाती हूँ कमरे में कुकी कॉर्नर आप इस बत रही है आला किचन आंटी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड आला किचन कह रही है साथ साथ थैंक यू सो मच जजाक खैर आंटी आपका आप साथ, साथ हैं थैंक यू आपकी चाय का टाइम हो गया होगा आंटी जी चाय पी लिया आपने आला किचन। लाइफ आलाचन लाखी जनमॉल मेरे भी गिफ्ट बहुत जा रहे हैं मेरे तो आ एट मंथ में ए, इतने पूरे हुए हैं मुश्किल से अच्छा सिस्टर डोंट uh, वरी आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी रही हो देव में <laughs> मेरी राम कहानी सुनो uh, मेरे दो साल से ऊपर हो गया है टाइम तो मेरे अभी भी जितने आपके हैं उतने है, मेरे हैं तो हिसाब लगा लो कि दो साल में मेरा इतना हुआ है पहले मैंने वैसे इतना सीरियस नहीं लिया अब मैं थोड़ा सीरियस हुई हूँ तो अब मेरे ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं क्या किया जाए आला किचन कह रही है नहीं अभी मैं लस्सी से रोटी खा रही हूँ बेटा माशा माशा मुझे तो नज़र आ रहा है कि आप रोटी खा रही है लस्सी के साथ माशा माशा इन्जॉय कर रही है आप इतनी सारी इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी तो क्या ही बात है माशा माशा वो कुकी कोकी कोना मत करिए बहुत तकलीफ़ होती है जब गिरते हैं वाकई सच में बड़ी तकलीफ़ होती है बहुत ज्यादा इतने घंटे बंदा लगाता है दो दो घंटे बैठ बैठ के ना फिर दो चार जो आते हैं वो भी दूसरे दिन सुबह उठो ना तो बस वो भी अल्लाह हाफिज कह चुके होते सोचिए साथ 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 है। साथ है। थैंक यू भाई अला किचिन कह रही है कराची में बहुत गर्मी है हीट स्ट्रोक है ओहो जी हाँ न्यूज में सुना था कि वो मैं कुछ दिन पहले मैंने सुना था मेरे ख्याल कह रहे थे कि हीट वेव होगी बहुत ज्यादा तो अल्लाह रहम करे सब पर और क्योंकि कोनर आफ्बत कह रही है सुबह से तो हम बस मोबाइल ही चला रहे हैं तो जो आते हैं उसके चैनल पर जाते हैं जो गिफ्ट देते हैं उनको रिटर्न करना होता है जी हाँ बिल्कुल सही बात है और हाँ एक बात यह है कि ना अगर आपको किसी ने ज्वाइन किया है उसी वक्त उसके चैनल पर ना जाए उसी वक्त उसका विजिट ना करें आपने 24 फोर आवर्स के बाद ही विज़िट करना है ठीक है ना आपने चेक करना है जब आपने उनको वापस गिफ्ट देना है उसी वक्त जब आप चैनल पर जाते हो ना तो ये भी ट्रैकिंग में आ जाता है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं इसलिए फटाफट जो है एक दूसरे के चैनल को विज़िट करते हैं तो उसी वक्त जिसने जॉइन किया है ना आपने चेक भी नहीं करना हो उसका चैनल दूसरे दिन करना है कुकिंग कॉर्नर ऑफिसमत आला किचन अलहमद अला किचन कह रही है आ, उसी वक्त नहीं करते लेकिन जब किसी को रिटर्न करते हैं ना तो तब भी गिर जाते हैं जी हाँ वाकई गिर जाते हैं मेरे भी आ, एक अभी सुबह गिरा है एक रात को गिर गया था तो परसों से तो मेरे भी आठ नौ गिर चुके हैं बढ़ने का नाम ही नहीं लेते बस गिरते ही जाते कल भी एक सिस्टर को ज्वाइन किया उसको मैंने बताया भी है मैं आपकी तरफ आ रही हूँ आपने कल आना है तो जैसे ही मैंने उनको गिफ्ट दिया तो उन्होंने फ़ौर उसी वक्त जो है मुझे कमेंट करके मेरी वीडियो पर आके उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया तो मेरा तो उसी वक्त गिर गया तो उनका भी गिर गया होगा फिर क्या फ़ायदा दोनों का नुकसान दुकस हो गया आला किचन साथ, साथ है थैंक यू सो मच आंटी अल्ला किचन कह रही है जो जो भी साथ है कामेंट करें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए जी हाँ इस मत कह रही है हम भी बहुत दिनों से लगे हुए हैं लेकिन अब तक नहीं कंप्लीट हुए जी हाँ सब ही अब लगे हुए हैं इतना टाइम ये वाली जॉब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है इतना टाइम देने के बावजूद जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना तो वाकई बड़ा ही दुख होता है पिश्ता स्ली ब्लॉक ने ज्वन किया हेलो सिस्टर कैसी है आप और आपकी फ़ैमिली कैसी है पुषणा वेलकम है आपका मेरी लाइव में थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया जिसा कर लाहिर मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है और फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट फाट ठीक ठाक है आप सुनाएं आपकी फैमिली कैसी है आप खुद कैसी है हाँ जी आंटी ठीक कह रही है जो साथ हैं प्लीज़ कमेंट करके साथ साथ बताते रहे ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है मेरे साथ क्योंकि कौन नाफिस मत कह रही नहीं सिस्टर जो दो दिन पहले करते उसके देते हैं जो एक दिन बात करते हैं करते हो फिर उसको दो दिन बाद देते हैं अच्छा मुझ असली बुला कह रही है जी सिस्टर मैं जी सिस्टर मैं ठीक हूँ लेकिन आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं लग रही आ, नहीं लग रही क्या आपकी तबीयत ठीक है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है कुछ ले कुछ दिनों से तीन चार दिनों से ये नज़ला जुकाम और बुखार था लेकिन अभी सिर्फ जो है नोज ब्लॉक है तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ नोज ब्लॉक है और जी वेट मिनट लाइफ विद अनमोल हाँ से जो भी गिफ्ट से गिफ्ट दन का एमिट कर दे और दूसरे को हार हालत में ट्वेंटी फोर घंटे के बाद गिफ्ट डन करना है जी हाँ तो बुशरा सलीम व्लॉग आप फर्स्ट टाइम आई है मेरी लाइफ में मेरा ख्याल है और कुकिंग कोनर आप बश्र बुशरा सलीन बुशरा सलीम प्लीज़ कम माई होम सिस्टर लाइफ विद आना करिएस मैं आपकी तरफ आ रही हूँ गिफ्ट देने ओके अला आंटी आपकी तरफ लाइव विद आ रही है बुशरा सलीम बलॉक कह रही है जी सिस्टर जी सिस्टर मैं कोशिश करूँगी कि अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करो फुल वाच के साथ जी हाँ सिस्टर लेकिन आपने उसी वक्त जॉइन नहीं करना जो भी आपको गिफ्ट देगा उसको आपने नेक्स्ट डे दे देना है आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद देना होता है उसी वक्त नहीं देना होता ना ही आप उनकी वीडियोस पर उसी वक्त जाएं कमेंट करें नहीं आपने नेक्स्ट डे उनकी वीडियोस पर जाना होता है आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स और एटलीस्ट आपने थ्री मिनट वीडियो वॉच कर ली है और उसके बाद लाइक कमेंट और ज्वाइन करना है फिर उनको और लाइफ विद अन कैरियर बुशरा सी हाई मैं आपकी तरफ आती हूं गिफ्ट देने जी हां अनमोल सिस्टर प्लीज आपने भी जिनको ज्वाइन करना है उनको फुल वाच के साथ करना है डन तो एक दूसरे की वीडियोस पर अगर आप आते जाते रहते हो ना तो तभी जिनके ड्रॉप हो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो एक दफ़ा ज्वाइन करते हैं ना तो फिर भूल ही जाते हैं ऐसा नहीं करना जिसको भी ज्वाइन करना है उनको आपने विज़िट करते रहना है प्लीज़ जी सिस्टर मैं उन्हें ट्वेंटी फोर आवर घंटे के बाद रिटर्न करूंगी फूड फॉर द फूड फॉर के साथ ए, मुझे पता है कि एक दिन के बाद करते हैं आला किचन करिए असलम जी जल्दी कॉमट पड़े मेरी लस्सी रोटी ख़त्म होने वाली है फिर मैं रेस्ट करने जा रही हूँ ओके मैंने पढ़ लिया आला आंटी आपका कमेंट uh, बाकी और कोई है ही नहीं कमेंट जो मैं पढूं तो मैं दोबारा से आपका कॉमेंट पढ़ूँ असलम दी जल्दी कमेंट पढ़े मेरी लस्सी रोटी ख़त्म होने वाली है फिर मैं रेस्ट करने जा रही हूँ ओके थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया इतना साथ दिया जजा करना है Yeah. आपकी बिजली की प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुई है है कुकी आप मत रही बुशरा सिस्टर प्लीज कम माय होम बुशरा आपको इसमत बुला रही है प्लीज आप भी एक दूसरे की तरफ चले जाया करो सारे एक दूसरे की तरफ <laughs> कम कम की बजाय आप कहना शुरू कर दो मैं आ रही हूँ आपकी तरफ बुश् सलीम बुला है जी सिस्टर आप मेडिसिन ले ये मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं लेती कभी कभार लेती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए लेकिन ये सीजनल फ्लू वगैरह होते रहते हैं तो ये ख़ुद ही ठीक हो जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कोई सीरियस बात नहीं है ज़्यादातर जो है ये कहवा वग़ैरह लेती हूँ कुछ इस तरह की वो चीज़ें जो घर में जो टोटके होते हैं वो वाले मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ मेडिसिन से और अला किचन कह रही है साथ साथ हूँ थैंक यू एंड डॉक्टर हिर मुमताज ने ज्वाइन किया अल्लामकम वालेकुम अल्लाम थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया तो कल मैंने आपकी वीडियो कल मेरा ख्याल है मैंने वाच की थी और वो जो आपने बैग वाली थी वो वाली तो मैंने उस पर आपको गिफ्ट डन भी किया था आला किचन वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर हीरा मुताज कह रही है कैसी है आप अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूं आप सुनाए कैसी है डॉक्टर हिराम मुमताज कह रही है जी शुक्रिया फॉर वॉचिंग और डॉक्टर हिमा मुमताज़ की पिन टच इनशाला इनशाला ज़रूर मैंने जिनको ज्वाइन किया मैं सब की कोशिश करती हूँ यह तो नहीं कहूँगी सबकी जाती हूँ लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि जिसका भी मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है मैं उसकी वीडियोस पर ज़रूर जाती हूँ फुल सपोर्ट करती हूँ कमेंट्स भी छोड़ती हूँ डॉक्टर हीरा मुताज कह रही है यहाँ बहुत बारिश हुई है आज अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात हो गई इतनी गर्मी में ठंडक हो भी हो गई है आला किचन कह रही है डॉक्टर हीरा मुताज़ आपको मैंने इंडियन मॉम सऊदी अरेबिया की लाइव गिफ्ट की दिया था प्लीज़ बैक कर दें मैं वेट कर रही हूँ ओके और डॉक्टर हीरा मुताज़ कह रही हैं लवली वेदर जी हाँ डॉक्टर हीरा मुताज़ अगर आपने आला आंटी को अभी तक जो है उनका गिफ्ट वापस नहीं किया तो प्लीज़ उनको जो है ना आज बैक कर देना प्लीज़ और सोच इंसानियत कह रहे डॉक्टर कैसी है आप और डॉक्टर कह रही है आला की कर चुकी हूं आंटी आप डॉक्टर हिरा आपने उन्हें कमेंट किया था तो आप चेक कर लेना आंटी कि आपको उनका वो गिफ्ट मिला था कि नहीं आजकल गिर जाते हैं जल्दी ही पता ही नहीं चलता किसने जो वापस किया किसने नहीं तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी, भी हो जाती है आला किचन ओके जी मैं चेक करती हूँ थैंक यू सो मच डॉक्टर हीरा ममताज कह रही है मैं फिर से देख कर देख के कमेंट कर दूंगी अगर हो गया भी होगा इन नो इश्यूज़ दैट्स गुड ये वाली जो आपकी मोटिवेशन uh, है ना ये आपको इनशाला बहुत आगे लेके जाएगी इनशाला इनशाला डॉक्टर ही, डॉक्टर हीरा मुम्ताज कहती है आई डोंट टेक इट एज गिवर एंड टेक रिलेशनशिप दैट्स दैट्स रियली गुड डॉक्टर हिरम मुमताज रही आई लव मेकिंग फ्रेंड्स हाँ जी ये भी अच्छी बात है अच्छे दोस्त हो तो वो आपको जो है लॉन्ग लास्टिंग साथ भी देते हैं आपको सपोर्ट भी करते हैं तो इसलिए जो है ना हमें इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो अच्छे हैं सपोर्टिव है साथ देते हैं तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को साथ लेकर चले Uh, आला किचन कह रही है ओके डॉक्टर हिर मुमताज बेटा लवली लाइफ ने ज्वाइन किया लाइक डन थैंक यू सो मच लवली लाइफ आपने जॉइन किया लवली लाइफ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच आप आई मेरी लाइफ में बहुत अच्छा लगा सोच इंसानियत साथ, साथ हैं साथ साथ है, थैंक यू सो मच भाई मुश ने ज, जी सिस्टर लवली लाइफ मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी एंड दैस बेटर आला किचन कैरियर जी हाँ हम कोशिश करते हैं कि सब की वीडियो टाइम टाइम टू टाइम वॉच कर लें तभी लाइट का इशू हो जाता है और कभी हम बिजी होते हैं जी हाँ बिल्कुल हम सब के लिए सब कुछ साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं शफीक लब जैका असला लाइक डन सिस्टर थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया शफीक लब लवली लाइफ कह रही है होस्ट मैं अभी सर्च करके आई हूँ आपका कोई एलटीआर नहीं है प्लीज चेक आ, मुझे कह रही है आप लवली लाइफ इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया असलाकुम वालेकुम अस्सलाम वाले आपका बहुत बहुत Uh, शुक्रिया कि आपने जॉइन किया अल्लाह खैर इंडियन माम सऊदी अरेबिया आपने जॉइन किया बहुत खुशी हुई मुझे शफीक लब जैका करी हाउ आर यू सिस्टर मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र आप सुनाए शफीक लबि जैक़ा आप कैसी हैं डॉक्टर हिर मुमताज़ है सोच इंसानियत ब्रो आई एम फाइन इंडियन माम इन सऊदी रही है लाइक डन थैंक यू सो मच इंडियन माम शफीक लबा कह रही असल वरि वाला वाले मिश्रा बेटा डॉक्टर हीरा मुताज कह रही है सोच इंसानियत भाई आपके आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी एंड आला किचर करिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं माशा माशा थैंक यू सो मच आप सब आते हैं तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती सच में रौनक लगा देते हैं आप लोग मुझे यूँ लगता है कि आप सब मेरे घर में मेहमान आए हो लवली लाइफ कह रही है जी होस्ट आपने भी अभी तक मुझे रिटर्न नहीं दिया नहीं जी मैंने दिया है मैंने फर्स्ट किया था आपने बाद में मुझे ज्वाइन किया है मैं हमेशा सबको पहले करती हूं तो चलो कोई बात नहीं मैं दोबारा से आपको ऑन करके ना तो कर दूंगी इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है असलामैकम एवरी वन आला किचन कह रही है लवली लाइफ कैसी हो आपको कमेंट भी नहीं मिला लवली लाइफ सबने वहां पर आपका आपकी वीडियोस पर कमेंट मिल गया था मैंने तो फुल वाच के साथ किया था आला किचन कह रही है लवली लाइफ कैसी हो सोच इंसानियत कह रहे हैं थैंक्स डॉक्टर हीरा मुमताज कुकिंग कॉर्नर ऑफ इसमत कह रही है माशाल्लाह सिस्टर मेहमान समझ रही है तो चाय पिलाए जी हाँ चाय फुल लवाजमात के साथ पिलाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज तो मैंने चाय खैर नहीं बनाई आज मैंने वो ए, कुछ मैंने अपनी ही रेसिपी बना ली है वो जिंजर और उसके साथ हनी लेमन डालकर गर्म पानी में तो वो मैं साथ ले रही हूँ मेरा अभी भी नोज ब्लॉक है तो मैंने सोचा इससे शायद फ़र्क पड़ जाए लवली लाइफ कर रही है जी ओके शफीक लबेजेक रही है डॉक्टर हिराम मुमताज जॉइन मी कुकिंग आप इस मत कह रही है सिस्टर हम सब तो आपकी आपकी अपनी है थैंक यू सो मच थैंक यू और लवली लाइफ जी सिस्टर कमेंट भी नहीं है जी कमेंट है आप आ, सही चेक नहीं कर रही शाहनाज शाहनाज लाइफ स्टाइल के कमेंट्स के नीचे कमेंट था मैंने चेक किया मुझे मिल गया था आपको क्यों नहीं मिला अभी तक और मैंने वहाँ पर लिखना नहीं होता कि मैंने डन कर दिया है वो मैंने आपकी वीडियो से रिलेटेड ही ए, लिखा था डाक्टर हीरा मुताज़ करके वाले बुशरा आपका व्लाग देखा अभी वेरी नाइस और डॉक्टर हीरा मु शफीक भाई आप क्या आप शफीक भाई आप आई आई विल जॉइन यू डेफिनेटली शफीक लबे का सिस्टर है डॉक्टर हिर मु मेरा ख्याल है सिस्टर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो शफीक शफीकलावेजा का आप खुद क्लियर कर देना इंडियन मामी सऊदी अरेबिया करिए मैं भी लेमन जिज विद हनी ड्रिंक करती हूँ जी हाँ यही वाला बेस्ट तरीका है मैं मेडिसिन बहुत कम लेती हूँ पैरासीटामोलॉल लेती हूँ लेकिन वो भी जब आ, कोई और हल ना हो बिल्कुल ही पता हो कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर मैं वो ले लेती हूँ लेकिन मैं आ, अपने लिए तो खैर मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती यूके में वैसे भी अभी काफी मसला हो रहा है कि कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते बच्चों के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो फिर इसीलिए मैं लेजी हो जाती हूँ तो ये नजला जुकाम मेरे लिए तो नॉर्मल चीज़ है कोई बड़ी बात नहीं है साथ साथ चलता रहता है लवली लाइफ कह रही है मेरे मेरे प्यारे दोस्तों मैं ठीक हूँ और इंडियन माम सऊदी अरेबिया कह रही है जजाक अल्लाह खैर डॉक्टर हीरा लवली लाइफ रो रही है क्या हुआ लवली लाइफ लवली लाइफ हा 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 और लवली लाइफ अगर आप मुतमिन नहीं हो ना डियर सिस्टर तो आप अन कर दो कोई मसला नहीं है ओके कोई मसला नहीं है ए, ए, मैं आपको दोबारा चेक करूंगी डॉक्टर हीरा करिए ओके सॉरी लवली लाइफ किस बात की सॉरी डॉक्टर हीरा लवली लाइफ करिए समझ नहीं आ रहा रो या हंसू सब के साथ ऐसा चल रहा है डॉक्टर कह ममताज़ हैं शफीक आप आए आई विल डेफिनेटली विजिट यू सोच हैं साथ साथ ऑफ इसमत मुमताज़ सिस्टर प्लीज़ कम माय होम लवली लाइफ कह रही है सहेली ऐसे नहीं बोलो कुकी कॉर्नर ऑफ इसमत करिए डॉक्टर हिराम मुमताज़ सिस्टर मैं आ रही हूँ आपके घर मसला ये है ना कि ये जो यूट्यूब है ना ये दो सहेलियों के दरमियान एक वो दुश्मन का काम कर रहा है सबके के वो ख़राब कर रहा है हम एक दूसरे को समझते हैं कि इसने मुझे नहीं वापस किया उसने नहीं किया मैंने किया ये वो सारा और वो जो है ना खुद ही काट देता है पता भी नहीं चलता जैसे वो करते हो ना तो वो ट्रैक कर लेता है तो फिर क्या करें फिर डियर सिस्टर मैं तो बड़ी दयानत से काम करती हूँ बहुत ही मेरी कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखे मेरी तरफ से तो फिर मैं क्या करूँ मुझे बड़ा दुख होता है जब वो जो गिर जाते हैं ना तो फिर सब का नुकसान होता है तो इसलिए जो है डॉक्टर हीरा मुमताज कह रही है कुकी कॉर्नर मोस्ट वेलकम इंडियन मामी सऊदी अरेबिया कह रही है डॉक्टर हीरा बहुत अच्छी है ज्वाइन करें करें आप सब जी हाँ डॉक्टर हीरा को प्लीज ज्वाइन करें यहाँ पर आज मेरी लाइव में जितने भी न्यू है ना उन सबको कम अज कम एक एक गिफ्ट जरूर दें प्लीज मेरी तरफ से चाय <laughs> वो मेरी तरफ से चाय होगी सबके लिए इंडियन मामी सऊदी अरेबिया हाँ मैंने पढ़ा डॉक्टर हीरा बहुत अच्छी है इनको ज्वाइन करें डॉक्टर हीरा कह रही है थैंक्स बुशरा फॉर सपोर्टिंग मी और डॉक्टर हीरा कह रही है यूर सचा जैनवन डॉक्टर हीरा मुताज जैम योर सचा जैम अच्छा उन्होंने जैम लिखा था मैंने जैनवन कर दिया इंडियन वाम सऊदी अरेबिया कह रही है आप कोशिश करें अल्लाह सब के साथ है इन शब को सबका हो जाएगा होम हमें बहुत ए, एक्टिव होना पड़ेगा जी हाँ और वो क्या कहते हैं ये वाला निकाल देने दिल से के कोई आएगा तो हम जाएंगे आप चले जाएँ घुस जाए जब जिसके घर जाए ना बस डोर करें जैसे थोड़ी सी डोर खुले अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको हम सबको कामयाबी मिलेगी इट्स ओके थोड़ा टाइम लेगा कोई बात नहीं वो कहते हैं ना अल्लाह के यहाँ देर है देर नहीं और सब्र का फल मीठा होता है बस इनशाला इनशाला जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा हाँ सच्ची मुझे तो दुश्मन दही से ढाई से सो आगे जाने ही नहीं दे रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर देखा है आप मेरा भी चेक करना ना तो सेवेंटी तक पहुंचे थे तो फिर पीछे आगे की तरफ नहीं जाना पीछे भागना है तुम्हारा डॉक्टर हीरा हीरा मुताज़ कह रही है सब का सब का हो जाएगा इनशाला इनशाला इंडियन मोमेंट सऊदी करे जजाक अल्लाह खैर डॉक्टर हीरा का, का, का मेरे मेरा पुराना साथ है माशाल्लाह 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 वो भी बहुत सपोर्टिव है और बड़ी खुशी हुई है आपने ज्वाइन किया है डॉक्टर हीरा मुताज करिए मुझे लगता है की कॉन्टेंट इज किंग उस पर ध्यान देना है और खुद मिल जाएंगे गिफ्ट आपको खुद मिल जाएंगे इनशाला इनशाला लेकिन ये फर्स्ट टारगेट जो होता है ना ये बड़ा हार्ड होता है इसीलिए हमें ये वाला स्टेप उठाना पड़ा है वरना मेरी भी शुरू से कोशिश यही थी कि मैं जो है ना कॉन्ट्रेक्ट पर ज्यादा फोकस करती थी और मैंने इस पे नहीं किया तो मेरे दो साल गुजर चुके डॉक्टर हीरा तो अभी तक कुछ नहीं बना तो अभी से मैं जो है ना ज्यादा सीरियस हो गई पहले मैं नहीं थी अभी हलीमा का ये साथ साथ चल रहा है काम तो एक मिनट मैं इसको करके आती हूँ अला किचन कह रही है इन शाह हम सब को कमयाबी मिल जाएगी इंडियन माम इन और इंडियन माम कह रही है हेलो क्रिस्टीना कुकिंग विद क्रिस्टीना वाला कह रही है मैं साथ ही हूँ थैंक यू सो मच क्रिस्टीना सोच इंसानियत साथ साथ है इंडियन माम इन सऊदी अरेबिया गुड, गुड क्रिस्टीना <coughs> जी हाँ इंडियन माम इन सऊदी अरेबिया कुछ पता चला हिजाब का कोई मैसेज का रिप्लाई उन्होंने मुझे नहीं किया आज शायद वो बिज़ी है कोई रहा नहीं हो पाया आज शनाज भी हाजिर नहीं हुई और वो भी हिजाब भी लगता है बहुत बिजी है अ, मेरा ख़्याल है सैटरडे अब मुझे याद नहीं रहा हफ्ते वाला दिन था या फ्राइडे वाला दिन था तो मैंने क्रिस्टीना की लाइफ ज्वाइन की थी तो वहाँ पर काफ़ी गपशप हुई थी अ, शनाज थी और मैं इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया करिए कुछ पता नहीं है अल्लाह हर करे अल्लाह रहम करे इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया करिए शनाज भी आज लाइव कर रही है अच्छा किस टाइम का रही है टाइम का कुछ पता है प्लीज़ बताइएगा इन मैं कोशिश करूँगी ज्वाइन करने की मेरे आज काफ़ी काम पड़े हुए थे सारा मैंने काम छोड़ थोड़ा किया है लॉन्ड्री लगाई है और बाकी छोड़ छाड़ के इधर लाइव पे आ गई थी और इंडियन मोमेंट सऊदी अरेबिया के रही सेम टाइम अभी लाइव ऑन है उनकी अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तो मैं अब ज्वाइन नहीं कर सकती इंशाल्लाह मैं बाद में देखूंगी देखूँगी शायद वो मेरे बाद अभी हो मैं आज कोशिश है मेरी कि आज मैं थोड़ा टाइम करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम है घर के तो फिर वो करूँगी इनशाला हाँ। तो पहले इरादा था कि मैं दो घंटे तक करूँ लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक डेढ़ घंटे तक करूँगी शायद इससे भी कम हो जाए तो फिर जो है मैं उनको ज्वाइन कर लूँगी इंडियन माम सऊदी अरेबिया आपने रोटियां बना ली हैं इंडियन मामे सऊदी अरबिया कह रहे हाँ हाँ सच में कल से मैं फिर दोबारा से वो थोड़ा हो रही थी कि कोई काम नहीं बन रहा ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे तो बस <laughs> मेरी भी बस होती जा रही है साथ साथ इंडियन मामे सऊदी अरेबिया कह रही है हाँ आज लंच करा दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो आपने जल्दी कर लिया सारा काम कुकिंग कॉर्नर कॉनर मत करिए इंडियन माम वालेकुम सिस्टर कुकिंग कॉर्नर कॉनर मत करिए कैसी है आप इंडियन मामिर सऊदी अरेबिया वालेकुम अस्सलाम इसमत इंडियन मामिर सऊदी अरेबिया अरबिया अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हिर मुमताज करिए प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना चेक किए शिकवा शिकायत ना करें <laughs> और हंस रही साहब जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही है किचन विद शकीरा अस्सलाम वालेकुम सेस वालेकुम अस्सलाम वेलकम है आपका किचन विद शकीरा थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया जजाकअल्लाह खैर बहुत अच्छा लगा आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है किचन विद शकीरा करिए लाइक डन थैंक यू सो मच किचन विद शकीरा मैं आपको आपा कह सकती हूँ मैं आपको आपा बुलाऊंगी मैं जैसे हिना <laughs> कि उनको भी मैं आपा बुलाती हूँ आला किचन को मैं आंटी बुलाती हूँ आपा बुलाऊंगी इंडियन इन सऊदी अरेबिया क्या कह रही है हाँ हाँ बिल्कुल सही डॉक्टर हिरा <laughs> जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम रेगुलर हैं जैसे इंडियन इन सऊदी अरेबिया की लाइव होगी विद हिजाब की मैं वो बहुत कम वो उस टाइम मेरा बिजी टाइम होता है मैं कभी ज्वाइन कर पाती हूँ कभी नहीं लेकिन कोशिश यही होती है कि वीक डेज में उनकी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ लेकिन वीकेंड पर मैं किसी की भी नहीं कर पाती कोशिश होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पाँच मिनट के लिए दस मिनट के हेलो हाय ही कर सकती हूँ तो जो लोग रेगुलर होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने दूसरे दिन भी हाजिरी देनी होती है तो वो इस तरह की हरकते नहीं करते ना तो जो आते हैं गिफ्ट लेके भाग जाते हैं ना उनका ये काम होता है लेकिन हम रेगुलर जो लोग हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते इंडियन मॉमिट सऊदी अरेबिया कह रही है हाँ हाँ बिल्कुल सही डॉक्टर हीरा कॉर्नर ऑफ इसमत कह रही है डॉक्टर हीरा बता सिस्टर चेक कर ले और किचन में शिकीरा कह रही है ओके कह सकते हैं कुकिंग uh, कुकिंग विद क्रिस्टीना ब्लॉग कह रही है ऑन कुकिंग कॉर्नर ऑफिस है किचन विद शकीरा अस्सलाम वालेकुम सिस्टर इंडियन माम सऊदी अरेबिया चेक नहीं करते और शिकायत बेशुमार काफ़ी है ऐसे जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हालांकि मेरा ये वो असूल होता है कि कमेंट ज़रूर छोड़ना है तो कमेंट ना करें तो क्या पता चले किसी दूसरे को तो हमेशा मैं कमेंट ज़रूर छोड़ती हूँ पर इसके बावजूद शिकायतें चलते रहते हैं तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील होता है और मोस्टली मेरा यह होता है कि मैं सबको पहले फर्स्ट मैं ज्वाइन करती हूं मैं किसी को नहीं कहती कि मेरी तरफ आए मैं आती हूं मैं हमेशा जाती हूं मैं हमेशा कहती हूं मैं आपकी तरफ आ रही हूं तो ज़ाहिर है जब मैंने पहले गिफ्ट दिया है तो फिर मैं वापस कैसे करूं दोबारा से किचन में शकीरा कह रही है बुशरा सिस्टर वालेकुम इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है वही है जो बोलते हैं प्लीज जॉइन मी प्लीज ज्वाइन मी और फिर गायब जी हाँ गिफ्ट लेके भाग जाते हैं फिर इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है वालेकुम अस्सलाम शकीरा सिस्टर आप में से किसी के लिए अगर शकीरा आपा किसी के लिए न्यू है तो प्लीज़ इनको ज्वाइन करें एक चाय का कप मेरी तरफ से एक गिफ्ट सबको देना है जो सब न्यू है आपके लिए तो वो ए, इस मत वो मेरी तरफ से चाय का कप होगा अगर किसी ने दिया तो प्लीज़ प्लीज़ एक दूसरे को जरूर सपोर्ट करें कोशिश तो करें ना सच्चे दिल के साथ वो कहते हैं अमाल का दारोबदार नियत पर होता है तो फिर आप नियत अच्छी रखें तो इंशाल्लाह आपके साथ भी बेहतर होगा किचन व शकीरा करी वसलाम वालेक वस्मत और इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया क्रिय शकीरा बहुत अच्छी है जॉइन करें जी हाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है बहुत सपोर्ट करती है वो भी लाइव करती है उनकी लाइव में वो आप जितने भी उनके होते हैं जो भी जॉइन करते हैं उन सबकी वीडियोस वो लाइव वहाँ पर वाच करती है आप सबके सामने बत करती है वो सबूत सामने पेश कर देती है ये देखें कि आपकी जो है वीडियो साथ साथ चल रही है और इंडियन मोमेंट सऊदी अरेबिया कर शकीरा बहुत अच्छी है ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कॉनर आप इसमत कह रही है गिफ्ट लेके एक दिन भागेंगे दूसरे दिन से कहाँ जाएंगे फुल वाच उसको कौन मिले कहाँ से मिलेगा जी बिल्कुल यहाँ तक उनकी सोच नहीं जाती ना इसमत यही तो मसला है कुछ लोगों का यही ख्याल है कि हमें सिर्फ गिफ्ट चाहिए तो वो आगे कभी ना सोचते कि आगे तो ये वाच टाइम चाहिए होगा किचन विद शकीरा कह रही है थैंक्स सिस्टर और दो फूल भेजे हैं उन्होंने इंडियन इन सऊदी अरेबिया करी है इसमत वो ये नहीं सोचते कुकिंग कॉर्नर ऑफ इसमत कह रही है चिकन चिक, चिकन विद चिक, चिकन विद शकीरा। शकीरा ओल्ड बहुत गोल्ड है जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर बता कर कुकिंग कॉर्नर कुकिंग कॉर्नर में थैंक्स फॉर विजिटिंग आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स डन लाइक किचन में करिए इंडियन माम आप खुद बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह जी हाँ बहुत अच्छी है बहुत साफ दिल की बहुत सपोर्टिव इंडियन ममिन सऊदी कह रही है शकीरा ये तो माशाल्लाह हीरे मोती है ना जवाहरात है इंडियन ममिन सऊदी अरेबिया और लाइफ विद हिजाब बड़े मुखलस लोग हैं अल्लाह ताला हमें भी तो दे ऐसा बनने की कुकी को की कोर्डर ऑफिस मत कह रही है खामोशी क्यों छा गई है इंडियन माम इन सऊदी अरेबिया कह रही है इतने टाइम में हमें पता चल जाता है कौन सही है यहाँ जी हाँ बिल्कुल वाकई पता चल जाता है और माशाल्लाह से माशाल्लाह से मुझे तो आगे कल मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज कल बड़ी खुश नज़र आ रही है तो मेरे कहा माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे दोस्त बना लिए हैं ना मुझे बड़ी खुशी होती है गपशप शप लगा कर तो अब मुझे ये वाकई इतनी फ़िक्र नहीं होती लाइव आने का मकसद बस यही है कि मुझे गप करने के लिए कोई मिल जाता है बातचीत करके बंदा थोड़ा हल्का हो जाता है अच्छा फील होता है जैसे हम बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं ना तो यहाँ पर तो बंदा तरस जाता है किसी से बात करने के लिए भी तो अगर फैमिलीज़ हो तो फिर तो काम चल जाता है लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऐसा वो सिस्टम नहीं होता सब ही बिजी होते हैं एक ही घर के अफराद जो है ना सारे जॉब करते हैं या कोई ना कोई काम होता है स्कूल कॉलेजेस और अपनी अपनी उनकी मसरूफियात होती है तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा कि मैं मुझे तो बड़े अच्छे माशाल्लाह से फ्रेंड्स मिल गए हैं मुझे बड़ी खुशी होती है उन सब से बात करके तो इसीलिए जो है ना मैं लाइव आ जाती हूँ फिर वीकेंड मेरा बिज़ी बहुत होता है लेकिन मैं मिस करती हूँ सबको बहुत फ्राइडे को इंडियन मॉम की लाइव नहीं होती वो टाइम जो होता है उस टाइम मैं सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना फिर सीधा मैं नाश्ता बनाती हूँ साथ लाइव ऑन कर लेती हूँ तो फिर मैं फ्राइडे वाले दिन मिस करती हूँ कि आज इनकी लाइव नहीं है डॉक्टर हिरा मुताज कह रही है मुझे इजाज़त दे मैं अब हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ ड्राइव पे रहूंगी तो बात नहीं हो पाएगी थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा मुताज़ आपने ज्वाइन किया अपना इतना कीमती वक्त आपने दिया जजाक अल्लाह अल्लाह खैर ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे सेहत तो और तंदुरुस्ती दे बहुत सारी दुआएं और ठीक है आप जा सकती हैं और कुकी कुकिनर आफमत करी अमीर सुब् इंडियन मामीर सऊदी अरेबिया आज हिजाब सिस्टर नहीं है ना जी हाँ हिजाब नहीं है शायद वो बहुत बिजी होगी आज मैंने उनको ए, ए, लिंक भी शेयर नहीं किया सुबह मैंने कोशिश की थी उनसे बात करने की इंडियन माम सऊदी अरेबिया मैंने उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि शायद वो... लेकिन मेरा ख़्याल उन्होंने देखा नहीं शायद बिजी है आज बहुत ज़्यादा किचन विद शकीरा तब से आपसे और मोहब्बत हो गई है जब ये जाना कि आप तो पठान हो इंडियन uh, हीरा मुताज कह रही है जिसने भी विजिट किया किया है सबका शुक्रिया आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स सब विजिट करूंगी इंडियन मामेन सऊदी अरेबिया कर रही है जजाकला है डॉक्टर हीरा थैंक्स फॉर ज्वाइन एंड uh, कुकी कॉर्नर ऑफ कह रही है आपने बोला नहीं माशा किस बात पर मैंने माशाल्लाह नहीं बोला इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है रेली अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया है कुकी कॉर्नर ऑफत कह रही है हम भी काम करके फ्री होते हैं और क्योंकि कॉर्नर ऑफिस मत कह रही है सब को ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि कॉर्नर ऑफिस मत कह रही है मेरे बच्चे सब कहते हैं आज कल बहुत बिजी रहती है अम्मी <laughs> जी हाँ बच्चे जैलस हो रहे होते हैं ना जब उनको टाइम नहीं मिलता मेरी बेटी है तो वो उस साथ होती है दो साल की है वो तो वो आ, मेरा फेस पकड़ के ना अपनी तरफ करती है कि आप फोन को ना देखो मेरी तरफ देखो तो मैं जो उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर कि मैं लाइव पे आओ इंडियन मैं सऊदी अरेबिया कह रही है हाँ सही है इस और इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है ये को भी अच्छा नहीं लगता मेरा लाइव करना जी हाँ मैं तो आजकल बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ और कुकिंग कॉर्नर ऑफ इसमत कह रही है जब आपके हस्बैंड बोल रहे हैं आजकल बहुत खुश रहती है इसलिए अच्छा वो तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो मैं कहती रहती हूँ हर वक्त और इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है लैपटॉप ऑफ करता रहता है जी हाँ बिल्कुल वो वो भी आती है मैं फ़ोन से करती हूँ ना तो फोन पे भी वो फिंगर के साथ वो ऐसे वो करती है और ट्राई को गिरा देती है सम टाइम अगर किचन में खड़ी हो तो वहाँ पर भी वो साथ साथ वो खड़ी हो जाती है बिल्कुल मेरे आगे हो गए कहती है मैंने इधर साथ बैठना है ऊपर ऊपर चढ़ के जब ऊपर चढ़े तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ होता है और शरारते बस शरारते बहुत करती है वह बाकी बच्चे माशाल्लाह वो टीवी लगाकर बिठा दो ना तो वो देखते रहते थे जब इस एज में थे लेकिन ये है कि ये तो बस मेरे साथ साथ रहती है बिल्कुल एक मिनट मैं खड़ी होती हूँ कि मैं किचन में जाऊँ कोई काम करूँ तो वो मेरे से पहले उसे उठ कर डोर के आगे चली जाती है उसे पता होता है कि वो किचन में जा रही है अब इंडियन मामीन सऊदी अरेबिया करिए अभी बहुत छोटे हैं ना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं हाँ किचन में पूरी हेल्प कराते हैं हेल्प क्या कराते हैं ये डबल काम कर देते हैं पांच मिनट का काम आधे घंटे में पड़ जाता है मुझे किचन में शकीरा कह रही है हूँ थैंक यू सो मच शकीरा कुकी कॉर्नर ऑफिस मत कह रही है और जिसकी वीडियो वॉच करते हैं तो किचन में देख रख देते हैं रख देते हैं और काम करते रहते हैं जी हाँ आजकल मेरा भी यही काम है वरना मैं कुछ मेरे फेवरेट्स होते थे प्रोग्राम्स वगैरह वो मैं वाच करती थी आज कल तो मैं जब भी मौका मिलता है मैं कहती हूँ चलो आप इसकी वीडियो वाच कर कि नोटिफिकेशन जब आते हैं ना वो उधर ही मैं रहने देती हूँ जब जब मौका मिलता है ना तो वो मैं क्लिक करके वाच करती जाती हूँ साथ और कमेंट्स भी छोड़ देती हूँ इंडियन माम सऊदी अरेबिया बड़े जो होते हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं जी हाँ बिल्कुल ये अभी मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जब ये स्कूल चली जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा <laughs> अभी तो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो टाइम अच्छा गुजर जाता है जब स्कूल स्टार्ट कर लेगी ना तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी ये भी चली जाएगी इंडियन माम सऊदी अरेबिया करिए हमारा फ़ोन भी हमसे टायर्ड हो चुका है जी हाँ ये भी तोबा तोबा कर रहा है कि बस हमारी भी कभी जान तो छूटे हम तो फुल टाइम यूट्यूबर बन चुके हैं इसीलिए फिर जब बंदा थोड़ा हिम्मत हार हारता है ना तो मैं दोबारा से यही सोचती हूँ अब मैंने इतना टाइम दे दिया है इतना टाइम फिर वो सारा उस पर पानी फिर जाएगा अभी मैंने छोड़ा तो तो कोशिश जारी रखनी है इंशाल्लाह इंडियन मॉमेंट सऊदी अरेबिया का रियर अभी तो न्यूज ड्रामा सभी पता नहीं कहाँ कुछ भी वॉच नहीं करते सिर्फ यूट्यूब जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बाज न्यूज तो ऐसी होती है ना मुझे किसी के मुंह से जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं बिल्कुल खामोशी हाँ, हो जाती हूँ हु। मुझे पता ही नहीं होता कि अच्छा ये भी हुआ है एक ड्रामा अभी भी, भी मैं वाच करती हूँ वो एक एपिसोड आती है एवरी थर्सडे को यहाँ पर यूके में जो तो नेटफ्लिक्स पर तो वो जो है मैं वाच करती हूँ टर्किश ड्रामा है तो इंग्लिश सब सब टाइटल के साथ होता है तो वो हिस्ट्री है सब ने सुना हुआ होगा बहुत ज़्यादा उनका तो मैं वो वाला वाच करती हूँ तो बाक़ी जो है ना अब कम ही एक बार कुछ टाइम मिल जाए तो लेकिन वो भी फिर बाकी काम करने में गुजर जाता है इंडियन मोमेंट सऊदी अरेबिया से ही है हिजा जब इतना टाइम दिया है तो थोड़ा हार्डवर्क और करके सक्सेस मिल जाए इन कॉर्नर ऑफ इस मत न्यू फ्रेंड को कोई नहीं आए है जी हाँ सिस्टर कोई नहीं यहाँ पर नहीं को, कोई भी न्यू आस्ता आस्ता शायद जॉइन कर ले लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं किचन में शकीरा कह रही है मैं लाइव इतने जोक से सुन रही होती हूँ के मेरे बच्चे आके मेरे बात मेरी बात बात करते पर करने पर मुझे आवाज़ नहीं आती उनकी उनकी <laughs> जी हाँ माशाल्लाह आप इतने गौर से शौक से सुनती हैं ना इंडियन मॉमिन सऊदी अरेबिया करियर मेरी इसी से, से बताती है न्यू ड्रामा बट मेरा यही रिप्लाई होता है मैं तो बस यूट्यूब चैनल वॉच करती हूँ <laughs> जी हाँ जी हाँ मेरे बहन भाई भी कभी कभी फ़ोन पर बात करें ना तो वहाँ पर भी यही चल रहा होता है कि ये, ये वाला अच्छा है इसकी स्टोरी अच्छी है, है ये वाला वाच करो मैंने कहा अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता तो किचन में शकीरा फिर नाराज़ होते हैं ओहो जी हाँ बच्चे तो वाकई वो बहुत चैलेंस भी होते हैं उनका यही होता है कि जब भी देखो फ़ोन पकड़ा हुआ जब भी देखो इधर उधर को, कोई मैसेज हो रहा है कुछ कभी किसी को कमेंट का रिप्लाई हो रहा है बच्चों का तो बुरा हाल है बेचारे अल्लाह करे हम भी कामयाब हो जाए इंडियन मार्मेंट सऊदी अरबिया करे हाँ हाँ सही सही है शकीरा सिस्टर जी हाँ इंडियन माम इन सऊदी अरेबिया मैं आपसे पूछना चाह रही थी क्या ये सारी स्ट्रगल आफ्टर आफ्टर भी करनी पड़ेगी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरा तो ये था ये वाला टारगेट कंप्लीट हुए ना तो थोड़ा सा इजी जॉब हो जाएगी लेकिन ये हाल है ना तो प्लीज़ इंडियन माम थोड़ा गाइड करना बता दें कि वाक़ी ये सारी स्ट्रगल आगे भी जारी रखनी पड़ेगी किचन में शिक्रा कह रही है जब से चैनल बना है ड्रामे ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल शुरू शुरू में मैं वो करती रही हूँ सारा लेकिन वैसे भी यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता जो टाइम होता है बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो मुझे तो वैसे भी टाइम रिमोट मेरे हाथ में कम ही आता है इंडियन गमेंट सऊदी अरेबिया करिए नहीं डियर बस एक बार डन हो जाए अच्छा चलो फिर थोड़ा ईज़ी हो जाएगा इनशाला अभी तो मैं बिल्कुल देर कोई बाहर भी नहीं जा सकती मेरी ये वाली टाइमिंग होती है तो फिर इसके बाद बच्चों के स्कूल से वापसी का टाइम करीब आ जाता है कोई शॉपिंग वगैरह वो लिस्ट बना के हस्बैंड को दे दी बस नहीं तो मैं जाती होती थी ख़ुद भी लेकिन आजकल तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही मैं इंडियन गर्मी सऊदी अरेबिया करिए दोनों टारगेट कंप्लीट कर ले बस इनशाला इन शाह मेरा एक हजार के करीब जो है डब्ल्यू टी पहुंचा हुआ है लेकिन बाकी जो है वो आपको नजर आ रहा है तो ये दोनों टारगेट बहुत ही मुश्किल तरीन लगते हैं अब मुझे पहले नहीं लगते थे लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ लगता है ये किचनवर शकीरा करिए इनशाला इनशाला इंडियन मोमेंट इन्ट सऊदी अरेबिया करिए माशाल्लाह मेरा अब खुद से दोनों चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है तो चलो ये होता है कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद अगर कोई फल मिले ना तो फिर बंदा मुतमिन हो जाता है कि अच्छा जो किया है उसका फल मिल रहा है लेकिन यह है कि अगर ये सारा कुछ वैसे ही चलना है तो मैं सोच रही हूँ कि फिर फ़ायदा नहीं है इतनी स्ट्रगल करने का फिर बहुत सारे काम रुक रुक जाते हैं कुकी कॉर्नर आप इस मत करिए इस बार हम बहुत सीरियस हो गए हैं किसी तरह कम्प्लीट हो जाए बस आप लोग दुआ करें बस दुआओं का तो ना पूछो मैं तो और दुआ ज़रूर करती हूँ सब के लिए वो कहते हैं ना कि आप आपको आपकी कोई ख्वाहिश या, या कोई आपको दुआ कबूल नहीं हो रही ना तो वो आप दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दे जब आप दूसरों के लिए करते हो ना तो वो चीज आपको मिल जाती है तो मैं आजकल सबके लिए मांग रही हूँ ताकि ता किसी के दुआ मेरे हक हाँ पे भी कबूल हो जाए माशाल्लाह किचन में शकीरा कह रही है माशाल्लाह कुकी कॉर्नर ऑफिस मत कह रही है आप लोगों लोगों के तो बहुत आसानी से हो जाएंगे क्या होगा इन्शाल्ला, इन्शाल्ला हो जाएगी आसान किसी के लिए नहीं है आसानी नहीं है बड़ा मुश्किल काम है सब के लिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं इसमत डोंट वरी और किचन में शिकीरा कह रही है आमीन आमीन इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है हा, हाँ हाँ सही अगर ऐसे हमेशा करना पड़ेगा तो हम पागल हो जाएंगे बिल्कुल हम आते तो ऑलरेडी हो चुके हैं पागल जो थोड़ा बहुत फर्क रहता है ना तो वो भी निकल जाएगा इसमत किसी को आसान नहीं है किसी का आसान नहीं है इंडियन मम सऊदी अरेबिया कह रही है कि इसमत किसी का आसान नहीं है जी हाँ तो अब अब तो हम इस फील्ड में आ चुके हैं ना तो हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम का खूब अंदाजा होना चाहिए क्योंकि देखे सभी अपना टाइम निकाल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं वो वो क्या कहते हैं एडी का लगा रहे हैं हम सब लेकिन यह है कि बस ए, हर चीज का एक वक्त होता है शायद हमारा भी वक्त नहीं आया इंशाल्लाह आ जाएगा डोंट वरी इंडियन मॉम सऊदी अरेबिया कहती है बस आपका हार्ड वर्क कितना है ये बेटर करता है जी हाँ बिल्कुल hey. Oh <laughs> <laughs> Say Hello 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 everyone My name Michael Yeah shoes Why are you wearing your shoes inside? Take your shoes off hello. Welcome Welcome Yeah Uh Indian mom in Saudi Arabia बस आपका हार्डवर्क कितना है ये बेटर करता है कुकी कॉर्नर कह रही है नहीं सिस्टर किसी की लाइफ में आती हूँ कुछ कोई अचानक क्या हुआ कुकिंग कॉनर आफत में अभी रीड कर रही थी तो आपने डिलीट कर दिया है कोई बात नहीं रहने देती दे 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 You... सबके साथ ही कोई ना कोई मसला हो रहा है सिस्टर इस बता आपने हिम्मत नहीं हारी बस कुकी कोनर आप इस बात कह रही है हाँ सिस्टर हिम्मत तो बहुत है बस देखी ए, देखे क्या होता है इनशाला इनशाला ठीक हो जाएगा डोंट वरी आपने हिम्मत नहीं आनी लाइफ विद हिजाम की अम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में है इंडियन माम सऊदी अरेबिया ओहो अल्लाह ताला उनको सेहत दे अच्छा तभी जो है ना वो बिजी है तो इंडियन मामिन सऊदी अरेबिया कह रही है आप सब भी दुआ करें इनशा इनशा जरूर दुआ करें अल्लाह रहम करे अल्लाह उनको सेहत दे तो आप सब भी सिस्टर्स विद हिजाब की अम्मी के लिए जरूर दुआ करें अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे अमीन कुकिंग कॉर्नर आफि मत कह रही है आमीन सुबा अमीन इंडियन मामीन सऊदी अरेबिया अभी लाइव हिजाब से बात हुई है अच्छा ठीक है मेरी जो है नहीं हुई मैं अभी उनका मैसेज आया था लेकिन मैं देख नहीं पाई कि लाइव ऑफ हो जाती तो इसी वजह से मेरे मैसेज जो है वो मिल गया था अल्लाह ताला सेहत दे। कुकी कॉर्नर आप इसमत कह रही है अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत सेहत सेहतियाब रखे और हिजाब सिस्टर की चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे आमीन सुमीन जी आमीन आमीन, आमीन।, आमीन।, आमीन। ही ही। <laughs> कभी से हाँ आमीन I mean. I mean. इंडियन मार्मी सऊदी अरेबिया करिए इनशालास्मत हो जाएगा डोंट वरी हाँ इनशालास्मत देखो ना मैं भी कह रही हूँ बाकी हिजाब सिस्टर भी और काफी सारी सिस्टर ऐसी है जो काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है स्पेशली मेरा भी देख लो कि दो साल हो गए हैं मेरे तो हम अभी तक चल रहे आला आंटी भी है तो इनशाला इनशाला हो जाएगा लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप वीक में दो से तीन वीडियोस डाल सको मेरा ही मसला यही है कि मैं ज़्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पाती नहीं मैं इतनी ज़्यादा कर सकती लेकिन मैंने देखा है कि जो डेली व्लॉगिंग करते हैं ना कोई भी कॉन्टेंट जो है डेली का डालते हैं ना उनके एक साल के अंदर हो जाते हैं बाकी जो एक वीक में डालते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नूर डेली रूटीन ने ज्वाइन किया हाय वेलकम नूर थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है कैसी हो आप नूर हंसते बसते <फ्ते> भाई ने ज्वाइन किया है वालेकुम वालेकुम असल थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया अभी मैं पंद्रह मिनट रहते हैं मैं जाने ही वाली थी आप आए थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया और डेली डोर रूटीन कह रही डेली रूटीन कह रही है मैं ठीक हूँ आप सुनाओ आप कैसी हो जी मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ डोर डेली रूटीन हंसते बसते कैसी है कैसी है सिस्टर अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ आप सुनाए आप कैसे हैं हैदराबादी को की वीर हिना ने ज्वाइन किया है अस्सलाम वालेकुम लाइक डन के साथ कैसी हो आप वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच हिना आप आपने ज्वाइन किया जज़ाक अल्लाह खैर बहुत खुशी हुई हंसते बसते भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जाने ही वाली थी मेरे चौदह मिनट रह गए मेरे पूरा डेढ़ घंटा करना है तो उसके बाद मैंने चले जाना है फिर तो थैंक यू सो मच हिना आप, आप आई है बड़ी खुशी हुई है न्यू डेली रूटीन कह रही है न्यू फ्रेंड कम मेरे ख्याल में ये सारे आपके ओल्ड के ओल्ड होंगे हंसते बसते कह रहे हैं नाइस लाइफ थैंक यू सो मच भाई इसी तरह आप सबकी सपोर्ट रही तो इनशा चलता रहेगा है सिस्टम हैदराबादी कुकिंग विद हिना कह रही है हंसते बसते कैसे हो भाई हैदराबादी कुकिंग विधिना करियर नाइस लाइफ डियर असलम सिस्टर अल्लाह ये सब आपका प्यार है वो मैं कहती होती हूँ कि आप सब खुद अच्छे हो इसीलिए आपको दूसरे भी अच्छे नजर आते हैं थैंक यू सो मच हिनापा हंसते बसते करें हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहना हैदराबादी कुकिंग विद हिना कह रही है मैं साथ हूँ थैंक यू सो मच हिनापा हिनापा आपकी कब लाइव होगी शाम के वक्त होती है हंसते बसते अभी साथ है थैंक यू सो मच शाम के वक्त मैं बिजी हो जाती हूं ना उस वक्त बड़ा मेरा बिजी टाइम होता है यहां पर जुके में। तो आपकी जब लाइव स्टार्ट होती है तो आप टाइम मैंशन कर देना हिनापा ताकि और कोई अगर कोई ज्वाइन करना चाहे या कोई कर सकता हो तो वो आपको ज्वाइन कर ले हैदराबादी कुकिंग विध हिना कह रही है रात में होती है असलम सीस हंसते बसते साथ है थैंक यू एंड हैदराबादी कुकिंग विद ना कहती है टेन से स्टार्ट करती हूँ अच्छा हैदराबादी कुकिंग विद हिना दस बजे लाइव करती हैं अगर आप में से कोई ज्वाइन कर सकता है तो प्लीज़ ज़रूर इनको सपोर्ट करें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी उनकी कुकिंग होती है बहुत ही प्यारी और लाइव में आ जाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे बड़े ही मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है बात करने का बड़े ही नर मजाज की है बहुत अच्छे तरीके से सबको हैंडल करती है सबको सबसे बात करती है और हंसते बसते बाइक कहते हैं मेरी फाइव फोर्टी से स्टार्ट होती है जी हाँ हंसते बसते बाइक की होती है पाँच बजकर चालीस मिनट पर स्टार्ट होगी तो आप सब जो है ना इनको भी सपोर्ट करना है ज्वाइन करना है मैं कोशिश करूँगी बेशक पाँच दस मिनट ही मैं ज्वाइन कर पाऊँ लेकिन मैं करूँगी कोशिश कि अगर मैं आ सकी ना तो मैं आऊँगी और हैदराबादी को कि मधिना कह रही है। थैंक्स सीस और हंसते बसते बाइक कह रही हैं और हंसते बसते कहते हैं जी, जी भी हंसते बसते भाई कह रहे हैं उधर मौसम कैसा है इधर मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है अगर मैं कहूंगी अच्छा जिनकी साइड पर है गर्मी तो उनको जो है गुस्सा आ जाता है फिर कि आप कह रही है कि अच्छा है हमारी तरफ इतनी गर्मी है इतनी गर्द हवा बट्टी उड़ रही है बुरा हाल है तो आप कह रही है, अच्छा मौसम है तो क्या करूँ दुनिया के वो क्या कहते हैं जिस कोने में जाए वहाँ पर मौसम डिफरेंट होता है तो मेरी तरफ अल्लाह का शुक्र है वेदर बहुत अच्छा है और लाइव विद हिजाब अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आप कैसी है वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच लाइव विद हिजाब आपने इतना बिज़ी टाइम में से टाइम निकाला थैंक यू सो मच लाइक के साथ हिजाब हाजिर है जजाकल्ला हायर सिस्टर लाइफ विद हिजाब बहुत खुशी हुई मुझे आपने हा, आप हाजिर हुई हैं तो अभी मेरी बात हो रही थी ए, इंडियन माम से तो मुझे पता चला आपकी अम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दें हम सब ने दुआ की है और अल्लाह ताला उनको सेहत तो और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे तो बताना सिस्टर उनको क्या हुआ है ए, हिजाब सिस्टर है, हैदराबाद हैदराबादी को की विधि कहती है हिजाब सिस अस्सलाम वालेकुम लाइफ विद हिजाब कह रही है वालेकुम अस्सलाम हिना सिस आप कैसी है लाइफ विद हिजाब बहुत शुक्रिया आमीन।, आमीन मैं अभी जानने ही वाली थी हिजाब और आपकी एंट्री हो गई हंसते बसते लाइफ विद हिजाब अल्लाह पाक आपके आपकी अपनी को सेहत दे हैदराबादी को टीवी से ना कह रही अलहमदिल्ला हिजाब से यहाँ पर सारे ही हम ओल्ड एंड गोल्ड हैं माशाल्लाह से एक दूसरे को जानते हैं तो इसीलिए हिजाब सिस्टर मैंने इधर ही पूछ लिया आपसे लाइफ विद हिजाब हॉस्पिटल में थी परसों से एमरजेंसी में अब घर आ गई है अब काफ़ी बेहतर है अल्लाह ताला उनको सेहत और तो तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे दिल से दुआ है मेरा वीकेंड बहुत बिजी था इसलिए जो है मैं तो कुछ मैं सोच रही थी कि आप आपने कल लाइव किया था लेकिन इंडियन इन, माम ने कहा कि नहीं वो वेट कर रही थी आपने नहीं किया तो फिर मैंने भी चेक किया मैंने कहा कोई गड़बड़ होगी शायद मुझे लगा कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हैदराबादी को किमी विधि ना कह रही है अल्लाह पाक आपकी अम्मी को सेहत और सलामती अता करे आमीन लाइफ विद हिजाब कह है आमीन हंसते बसते बाई आप कैसे हैं हंसते बसते अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ विद हिजाब आमीन लाइफ विद हिजाब नहीं कल हॉस्पिटल थी अभी के साथ अच्छा अच्छा मेरा <स्था> खुद का विकेट जो है ना बड़ा बिजी गुजरिया गुजरा <स्था> नाइस nice. uh, uh, नाजिया मसूद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाजिया मसूद वेलकम है आपका थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया जजाक अल्लाह हाय नाजिया मसूद लाइक डन थैंक यू सो मच हंसते बसते अच्छा हैदराबादी को की विद हिना कह रही है वालेकुम अस्सलाम लाइव विद हिजाब और आप सुनाए कैसी है लाइव विद हिजाब हलीमा कैसी है हलीमा बहुत अच्छी है हलीमा इधर आओ इधर से हेलो आजा हेलो आजा हेलो से हेलो हेलो है तुम किस आसीन आबीन मम्मी अह आपकी अपनी के लिए दुआ भी किया हलीमा ने उसने कहा है कि आबीन जब हम इधर बैकर रही थी मैंने आबीन कहा तो उसने भी साथ आबीन कहा ओके जा दस दादी अफसुद कैसी हो आप सब प्यारे भाई बहन लाइफ विद हिजाब करी नाजिया आप कैसी हैं हिनाजिया मूद कह रही है हिजाब अलहमद लाइफ विद हिजाब कह रही है हाय मेरी जान हैदराबादी को की विधर हिना कहती है अलहमद ला नाजिया नाजिया मूद कह रही है आप कैसी हैं हिजाब हंसते बसते माशाल्लाह लाइफ विद हिजाब हलीमा मेरी जान सो नाइस जी हाँ माशाल्लाह से वो आज मेरे साथ साथ है आज मैं इधर इसके साथ कमरे में हूँ नहीं तो वो किचन में भी घुसी रहती है मेरे साथ ही होती है वो नाजिया मूद कह रही है हंसते भाई कैसे हैं और लाइव विद है मैं भी ठीक हूँ नाजिया सिस हंसते बसते अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर नाजिया में साथ है थैंक यू सो मच नाजिया नाजिया आपकी तरफ वेदर कैसा है लाइव विद हिजाब आज शहनाज नहीं है मैं आपसे पूछने लगी थी हिजाब आज नहीं हाज़री हुई उसकी भी वो तो आपके साथ उनकी एंट्री होती है कल 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 मैं बहुत बिजी थी नहीं, कल नहीं परसों में रहे ना हफ्ते वाले दिन तो क्रिस्टीना की लाइव में बात गपशप हुई थी अच्छी खासी शहनाज शायद कहीं बिजी हो गई है लाइव लाईविधि जाब पिंडी इस्लामाबाद में भी बड़ी बारिश हुई है अच्छा अच्छा तो फिर वह वेदर भी ठंडा ठंडा हो गया होगा हंसते बसते आप सुनाए नाजिया सिस्टर अभी आपके आपकी वीडियो फुल वॉच की है ए, है अभी के सही पॉकेट खाली हबी की सही पॉकेट खाली की है नाजिया मसूद और क्या चल रहा है सिस्टर अभी कुछ नहीं चल रहा सिस्टर मत पूछो अभी बड़े काम पड़े हुए सारे छोड़ छाड़ के तो मैं इधर लाइव पे आके बैठ गई दो दिन मेरे बस आगे पीछे भागते हुए गुजर गए वीकेंड जो है बस ऐसे ही गुजरता है मेरा हाय नाज़िया लाइफ हितिजाब कह रही है और नाजिया मसूद कह रही है हंसते भाई और हंस रहे लाइफ हितिजाम वेदर बड़ा फिट है यहाँ का हंसते बसते कह रहे हैं भी ए, बाइकी पॉकेट मैंने प्रीमियर ज्वाइन किया था आपका नाजिया मसूद मैंने प्रीमियर में आपकी वीडियो वाच की थी नाजिया मसूद बहुत कम लोग आते हैं हंसते भाई वीडियो पे लाइव विद हिजाब सॉरी नाजिया से आपका प्रीमियर नहीं ज्वाइन कर सकी जी हाँ कभी कभी हो जाता है बाकी काम भी साथ लेकर चलने होते हैं इट्स ओके चलता है लाइफ विद हिजाब अब आएंगे नाजिया जी हाँ आप तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहती है जब नहीं होती ना उस वक्त हमें फिक्र पड़ जाती है कि आप कहीं बीमार ना पड़ गई हो या कोई परेशानी वाली बात ना हो तो सो द हिजाब कोई बात नहीं हैदराबादी है कुकिंग विद हिना कहती है मेरी वीडियो भी एक मिनट की वाचिंग है हंसते बसते जी पता पता नहीं क्यों मैंने मैं तो सिस्टर जाया जाया था गया था और फुल वाच के साथ जी नाजी स्किल जी आइए आए थे बहुत अच्छा लगा जी हाँ मेरा यही होता कि मुझे जब मैं फ्री हो तो मैं ज़रूर जॉइन कर लेती हूँ लेकिन वही बात है ना कि बच्चे हैं फैमिली है साथ तो इसलिए जो है ना कभी कभार मिस हो जाता है लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है कि सबको सपोर्ट कर सकूँ लाइफ इतनी चाह मेरी अम्मी की थोड़ी थोड़ा टेंशन थी अब कुछ बेहतर है जी हाँ आप अम्मी का ख्याल रखें इन ये बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती है इट्स ओके हैदराबादी कुकिंग ना कह रही है मैं सबको अल, अल्ला, हुमा, अल्ला हुमा सब सबको सब के फोर से फाइव मिनट की वाच देती हूँ असलम सिस्ट जिजाकल्ला हायर सिस्टर मुझे मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है सिस्टर हिना अपा मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है मुझे पता है कि जो यूट्यूब का अपना एलगोरेथो है ना वो बड़ा ही सख्त किस्म का है वो जो है ट्रैक कर लेता है तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे पता है सबको रूल्स पता है सारी कोशिश करते हैं सिर्फ एक का नुकसान तो नहीं होता अगर मेरा गिरेगा आपका भी गिरेगा तो हर इंसान की कोशिश होती है कि मेरा ना गिरे तो जरा अपने को बचाने के लिए हमने दूसरों को भी बचाना होता है इट्स ओके ये सब चलता रहता है लाइफ इंतजाम करिए हंसते बसते भाई आप पक्का आते हैं वीडियो पर सो नाइस जी हाँ माशा ये भाई बहुत सपोर्टिव है और लाइव में भी आते हैं सोच इंसानियत भाई भी वो भी अभी थोड़ी देर पहले गए हैं मेरा ख्याल है चले गए लेकिन वो भी साथ थे और नाजिया नाजिया मसूद कह रही है हंसते बसते भाई आप तो याद रखते हैं मुझे पता है लाइफ इंतजाम करिए हिना सो एस हना सो, सो स्वीट लाइफ विद हिना अस्सलाम असल वालेकाम लाविना थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया लाई विधीना कह रही है लाइक न थैंक यू सो मच लाइवना हैदराबादी कुकिंग विधीना कह रही है हिजाम स्वीट इस ननाजिया मसूद कह रही है यहाँ पे अभी जितना जितने हैं हंड्रेड परसेंट अच्छे फ्रेंड है जी माशा अलहमद ला लाइव विद हिजाब कह रही है वालेकुम वालेकामासीस आप कैसी हैं और लाइव विद हिना कहिए हिजा कैसी है लाइव विद हिना करिए मैं ठीक अलहमदिल्ला लाइव विद हिजाब अच्छी हूँ हिनासीस आप सुनाए हंसते बस्ते सात है नाजिया है लाइव लाइव विद हिजाब करिए हिनासीस परसों आपको थ्री गिफ्ट दिए थे हिला विदिना करिए हिजाब सीस कल लाइव क्यों नहीं की लाइव विद हिना हिजाब सिस्टर की अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए वो उनके साथ हॉस्पिटल में थी बिजी थी तो इस वजह से वो नहीं कर पाई हैदराबादी कुकिंग विद हिना रही है अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे फ्रेंड्स हैं जो न्यू न्यू है वो आ, काम कम वाच करते हैं हंसते बसते अल्लाह हाफि सिस्टर कहीं जा रहा हूँ थैंक यू सो मच आपने जॉइन किया इतना टाइम दिया जिजाकल्ला है बाई आप जा सकते हैं लाइव हिजाब करिए हिना सिस्कल हॉस्पिटल थी अम्मी के साथ लाइव जॉब करिए आज करूँगी इन शह हम सब ज्वाइन करेंगे लाइव हिजाब अल्लाह हाफिज सस्ते भाई अब मेरा ख्याल है कि शिराज की लाइव है आज हिजाब सिस्टर चेक कर लाना उसको भी मेरा ख्याल है उनकी आज लाइव है इंडियन माम ने कहा था कि वो आज लाइव कर रही है और हैदराबादी को भी ना कह रही है माशा मेरे सब ओल्ड गोल्ड फ्रेंड्स हैं माशा माशा जी हाँ नाजीम से हाफिज़ भाई लाइव इधि जाब करिए कब है लाइव शाज़ की मेरा ख्याल है आज अभी थी मेरे साथ ही उनकी स्टार्ट हुई थी मैंने चेक नहीं किया तो आप चेक कर लेना प्लीज वो तो ब, आ, शायद नाराज ना हो जाए हिजाब तो आप बेशक उनको उनकी तरफ चले जाना चक्का लेना और हाँ शनाज की लाइव है अभी नाजिया कह रही है, हाँ शनाज की लाइव है अभी तो मेरा भी दिल था मैं भी ज्वाइन करूँगी इन मैं अपनी अगर उनकी अभी हुई तो फिर मैं भी उन, उनका ज्वाइन करूँगी नाजिया मसूद कह रही है नहीं है लाइव हिजाब आज और असलम सी हो रही है उनकी लाइव आप हो गई शायद अच्छा ए, मैं उनको जॉइन कर लूँ लाइव हिजाब की जी जी बिल्कुल लाइव विद हिजाब मैंने कहा था आपको कि आप उनकी जॉइन कर लें माशाल्लाह से आपकी दोनों की बड़ी अच्छी बनती है तो आज तो आप खूब गप्पे लगाओ तो ज़रूर आप ज्वाइन करो इट्स ओके आपने मुझे इतना टाइम दिया जजाकल्ला खैर बड़ी आपका दिल से वो शुक्रिया है कि आपने ज्वाइन किया इतना साथ दिया अब ज्वाइन कर लो हैदराबादी को की है हिना कह रही है हिजाब अब कैसी है आपकी अम्मी की तबीयत हिनापा अब शायद हिजाब चली गई हो शनाज की भी अब लाइव है तो उनकी तरफ तो उनकी अम्मी की तबीयत का आगे से बेहतर है कल वो हॉस्पिटल में थी लेकिन वो कह रही है कि अब वो घर आ गई है आगे से बेहतर है काफ़ी नाजिया मसूद कह रही है हिजाब जी ठीक कैसी है अब तो हिजाब कह रही है अब काफ़ी बेहतर है आगे से कल हॉस्पिटल में थी लेकिन अब घर आ गई है तो काफ़ी बेहतर है हैदराबादी हैदराबादी को की ना कह रही है शहनाज वारसी की लाइव असलम सी अच्छा अच्छा, अच्छा शहनाज वारसी की है नाजिया मसूद वारसी की भी नहीं है अच्छा फिर मुझे कुछ मिस मिसअरस्टैंडिंग हो गई है मेरे पास तो कुछ पड़ा हुआ नहीं क्या मैं हिजाब वापस आ जाएगी अगर ना हुई तो एक शहदाज एक शहदाज है एक शहनाज है जो लाइव हिजाब और शहदाज की बड़ी वो गपशप होती है वो वाली सिस्टर अब बुरा उनके चैनल का मुझे पूरा नाम नहीं याद रहा शहनाज कौन को, है असलम जिसकी लाइव को आप बोल रहे हैं मैं समझी नहीं नाजिया मसूद थैंक यू सो मच नाजिया नाजिया मसूद वो शहनाज जब आती है आपने हिनापा अगर आपने ज्वाइन किया है लाइव हिजाब की तो उनकी और लाइव विद जाप की और शहनाज की बड़ी अच्छी दोस्ती है बड़ी गपशप वो करती है माशाल्लाह से अच्छी सी तो शहनाज की लाइव ऑन है नाजिया मसूद कह रही है हाँ लाइव है शाह नाजिया मसूद कह रही है शहनाज की लाइव ऑन है नाजिया प्लीज़ शहनाज के फुल चैनल का नाम बताना हिना आप पूछ रही है मुझे भूल गया है नाजिया मसूद कहती है थोड़ा सा मैसेज करके आती हूँ इट्स ओके नाजिया मसूद आपने इतना टाइम दिया जजाक लहर इट्स ओके okay. मैं थोड़ी देर में वैसे भी चली जाऊँगी मैं भी चली जाऊँगी तो आप जा सकती हो कोई मसला नहीं है मैं बिल्कुल बाय नहीं करती जो भी जाना चाहते हो आप आपने इतना टाइम दिया तो इतना मेरे साथ रहे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने तो वन फिफ्टी ट्वेंटी बंद करना था लेकिन मैं अभी भी आप सब के साथ हूँ क्योंकि आप सब ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और गपशप लगा लेते हैं कोई मसला नहीं है नाज़िया आप जा सकती हो हैदराबादी कुकी विद्या हिना शहनाज का चैनल नेम क्या है नाज़िया जी हाँ नाज़िया ये बता दो फिर बेशक चली जाना अगर साथ हो अभी तक तो वो उसके जो क्या कहते हैं डीपी है ना शहनाज की सिर्फ एक आंख की है मतलब उनकी प्रोफाइल पिक्चर जो आती है ना वो सिर्फ एक आंख है नजर आती है टाइप करो शहनाज तो शायद एक मिनट में यही चेक करती हूँ <coughs> मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनके फुल चैनल का शडाज हिनाडापा भी साथ है थैंक यू सो मच हिनाडापा मैं ढूँढ रही थी कि मुझे मिल जाए कहीं पर तो मैं आपको बता देती हूँ <laughs> क्यों चुप हो सब सारे ही चले गए थे मैं भी चुप हो गई थी नाजिया में आ गई है ए, स्किल्स कहाँ गई है नाजिया सिस, हिना सिस हिना भी चली गई है तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं ढूंढ रही थी शनाज का चैनल तो शनाज के चैनल का नाम है शनाज लाइफ पार्क शनाज लाइफ पार्क उनका नाम है तो उनकी प्रोफाइल जो डीपी है वो उनकी सिर्फ एक आँख है तो वो आप देख लें तो वो शनाज का चैनल है जरूर चक्कर शहनाज लाइव है नाजिया कह रही है ही ना इस रहने थे। और कौन है मेरे साथ थैंक यू नाजिया आप अभी भी साथ हो मेरे थैंक यू सो मच एंड नाजिया कह रही हिनासी अगर अगर आपकी फ्रेंड नहीं है तो क्या करना है <laughs> वो ढूंढ रही है शायद तो, तो हो सकता है वो मिल जाए उनकी तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी मेरे यहाँ पर तो सारे ओल्ड एंड गोल्ड थे शायद वहाँ पर कोई न्यू मिल जाए <laughs> नाज़िया तो कह रही है थैंक यू सो मच नाज़िया डी सिस्टर सिस्टर अल्लाह है दिल से शुक्रिया मैं कहती हूँ आपका थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट होती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबसे बातचीत करके तो इसीलिए जो है ना मैं इन्जॉय करती हूँ इसलिए मैं लाइव आ जाती हूँ नाजिया मसूद कहती है स्किल्स थैंक्स जो आपका प्रीमियर में आए बहुत अच्छा लगा मैं इट्स ओके सिस्टर हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं तो हमें साथ साथ ही चलना है एक दूसरे की मदद करते हुए किसी को डूबता हुआ छोड़ के नहीं जा सकते साथ या तो पार लगा के छोड़ेंगे या साथ ही डूब मरेंगे ताज़िया कह रही ऑन थैंक यू सो मच तजिया एक दो मिनट और मैं साथ हूँ फिर मैं बंद कर दूँगी अगर कोई ना आया तो फिर आप भी ज्वाइन कर लेना इट्स ओके किसी और की लाइव ज्वाइन कर लेना तो हो सकता है आपको कोई न्यू फ्रेंड मिल जाए ना मसूद हाँ 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 नाजिया मसूद कह रही है मैं अब किसी को नहीं जॉइन करूँगी बस आपके साथ हूँ थैंक यू सो मच नाज़िया मसूद फिर मैं डिनर बनाऊँगी अच्छा अच्छा माशा माशा आपकी वीडियो आपका कॉन्टेंट मैंने देखा है मज़ा आता है अच्छी दिखता है नज़र आता है कि कितना हार्ड वर्क है आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनशाला मुझे लगता है कि आप जल्दी कर जाओगे लेकिन ये पहला टारगेट जो है ना ये काफ़ी हार्ड है ये हमें निचोड़ के रख देता है तो यह है कि हिम्मत में ही हार नहीं आपने नाजिया बस चलते रहना इनशाला इनशाला यह है कि कोशिश करो को ना अगर आप वीक में अगर एक वीडियो डालते हो तो दो से तीन वीडियोज़ अगर डाल सको तो मुझे पता है कि आपके भी बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये वीडियो एक बनाना अलग बात है शूट करना और उसके बाद वॉइस ओवर करना और एडिटिंग इसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है तो अगर कर सको ना मुझे लगता है कि अगर थोड़ा आप ज्यादा वीडियोस डालना शुरू कर दोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा नाजिया मसूद कह रही है मेरा अब डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी रहता है सीस। आप नाजिया आप भी लाइव स्टार्ट कर लो ना आप क्यों नहीं लाइव करते नाजिया मसूद बहुत मुश्किल है सीस हाँ मुश्किल बहुत है लेकिन क्या करें फिर हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। अब हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया मतलब जो हम टाइम लगा चुके हैं ना अगर हम यहाँ पर आधे रास्ते में छोड़ेंगे ना तो फिर वो वेस्ट चला जाएगा सारी मेहनत रायगा गई तो हमने मेहनत रायगा नहीं करनी साथ साथ चलते हैं और लाइफ ना कह रही है नेट नेट चला गया था मेरा कोई बात नहीं लाइफ इधीना इट्स ओके लाइफ उदीना करें नाजिया कितना डब्ल्यू टी रहता है और नाजिया मसूद कहती है कैसे करूँ एल वी सी से छोटी बेटी बहुत तंग करती है जी हाँ अब वो आपकी छोटी बेटी नैप वगैरह नहीं लेती दिन को या कोई ऐसा टाइम जब वो सो जाती है रात को कर लो फिर जब रात को बच्चे सो जाते हैं उस वक्त कर लो बेशक एक घंटे की करो ज़्यादा ना ना करो एक घंटे की कर लो तो फिर जो है ना आस्ता आस्ता हो जाएगा कुकिंग कॉर्नर अस्सलाम वालेकुम सिस्टर वालेकुम अस्सलाम नाजिया मसूद सेवन <coughs> हंड्रेड तक है जी हाँ तो आप आपको फिर लाइव से काफी फायदा हो सकता है नासिया काफी ज्यादा फायदा हो सकता है आपको लाइव इथ हिना मेरा भी बेटा बहुत तंग करता है पर क्या करें वाइडू टी तो पूरा करना है जी हाँ बिल्कुल तो ये बेस्ट तरीक़ा है नाज़िया मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट तरीक़ा है अगर आप लाइव करते हो तो नाज़िया मसूद कहती है इस जी आपको भी किया था मैंने और नाज़िया मसूद कहती मैंने बहुत लाइव की है पहले लाइव हिना में आमी आमीन अमीर भाई की, के प्रीमियर से होके आती हूँ okay, जा सकती है हो गई, हो जाएगा, पूरा डॉट वरी जी हाँ इनशा अगर आपका सिर्फ यही डब्ल्यू का तो कार्ला आप कर लोगी डॉट वरी तो लाइव से मुझे लगता है कि इससे आपको यह है कि आप चेक कर लो कितना आपका टाइम रहता है नाजिया आपका टाइम कितना रहता है तो उसी हिसाब से आप एस्टिमेट कर लो कि आपको दिन के कितना टाइम कितने आवर्स आपको मिले तो फिर आपका जो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और कुकिंग ओनर ऑफिसमत नाजिया मूद आज ही आप रिटर्न कर दिया आज ही आपको रिटर्न कर दिया है तो मेरा यह है कि ग्रुप्स uh, में uh, हर एक का डिफरेंट जो है एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम के ग्रुप्स भी मैंने एक दो ज्वाइन किए थे लेकिन वहाँ पर भी यही वाला होता है चिख चिख जो होती है ना ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जे लोगों की मदद करते रहो करते रहो टाइम पे काम करके दो रेगुलर रहो और बाकी जो है ना सोए रहते हैं कोई काम सही से नहीं करते तो फिर मुझसे ये चीज़ें जो है वो नहीं होती मैं होती मेरा यही होता है कि जितनी मैं मतलब टाइम पे आपको करती हूँ ना मेरे साथ भी वैसे ही करे लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है तो ग्रुप्स में भी बड़ी इस तरह की तू तू मैं मैं होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना तो आप ग्रुप्स ट्राई कर लो नाजिया हो सकता है आपके लिए काम कर जाए लेकिन मेरे लिए मुझे ये वाली चीज़ें मेरा जो है स्टेमिना इतना वो हाई नहीं है मैं बहुत जल्दी जो है ना वो फेडअप हो जाती हूँ चीज़ों से जहाँ पर थोड़ी चेहची हो तो नाजिया मूद इस बच्ची क्यों नाजिया मसूद आज ही आप रिटर्न कर दिया नाजिया मसूद इस बच्ची क्यों नाजिया मसूद इस बच्ची आपने मुझे रिटर्न करना था क्योंकि कॉनर ऑफ इसमत नाजिया मसूद आज आपको रिटर्न नहीं करना था मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रही हूँ नाजिया ने इसमत क्या चल रहा है नाजिया मसूद इसमत जी वो हंस के वो उसके आंसू निकले नाजिया मसूद इसमत जी डोंट वरी कुछ नहीं होगा फुल डब्ल्यू टी के साथ किया है बेल को भी ऑल करती हूँ मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकिन यह है कि वो ट्रैक कर लेता है एक सेम आई जो एक तो दूसरे की तरफ जा रही है ना तो वो ट्रैक कर लेता है एक बढ़िया नाजिया आज खाने में क्या बनाना है आपने मैंने भी आटा गूंथना है अभी कुकी कोराफिस मत नाजिया मसूद को आज ही आज ही हम गिफ्ट दिए थे और वो आज ही रिटर्न कर दिया है नाजिया क्या किया है आपने वैसे वो गिर जाएगा आपका आप दोनों में से कोई एक अन कर दो वो कल कर दे नाज़िया या आप कर दो एक कुकिंग कॉर्नर ऑफिस ब दोनों में से एक कर दे अन, तो वो कल से करे आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स तो नाजिया ये आप मैं क्या कहूँ वैसे भी मैं भी पूरा ही करती हूँ कोशिश करती हूँ सबकी लेकिन मसला ये है कि वो एल्गोरिथम को कोई समझ नहीं आ रही शायद वो कन्फ्यूज़ हो गया या वो हमारे उसने जेन पढ़ ली है पता नहीं क्या मसला है लेकिन वो गिरा देता है बेशक फुल बार बाजू का तो मेरे बहुत सारी सिस्टर्स की आप की तो मैं दो दो वीडियो वाच करके मैं करती हूँ इसके बावजूद मेरे तो गिर जाते <coughs> नाजिया कह रही है अभी कुछ सोचा ही नहीं है कि क्या बनाऊं नाजिया मसूद कह रही है कॉर्नर जी कुछ नहीं होगा आप टेंशन नहीं लें नाजिया मसूद कह रही है हम कल चेक करेंगे <laughs> जी हाँ डोंट वरी इस कोई बात नहीं गिर गया था दोबारा से फिर आ जाएगा इन शाह डोंट वरी क्योंकि कॉर्नर आप इस मत करिए सच में सिस्टर बहुत टेंशन हो रही है टेंशन नहीं लेनी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी इस मत सिस्टर टेंशन लिया तो फिर काम खराब हो जाएगा सिस्टर सेहत ख़राब हो गई घर भी बच्चे भी फैमिली भी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी साथ में ये वाला काम भी खत्म और नाजी आपको पता है अमेरिका वाली बैक तो बैक टू बैक करती है फुल वाच के साथ हम भी अब अमेरिकन हुए इसमत से <laughs> अच्छा वो कौन क्योंकि कॉर्नर ऑफ इसमत मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है अब मैं कह कह के थक चुकी हूं मैं बार बार कहती हूँ सबको प्लीज प्लीज मुझे आज ना वापस करना मुझे अभी बैग नहीं चाहिए मुझे कल परसों दे दो लेट दे दो लेकिन अभी ना दो <laughs> वो एक्साइटमेंट में वो वापस करते हैं कहते हैं, नहीं 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 हमने वापस देना है गिफ्ट आपको कुकी कॉनर आप इसमत कह रहे हैं लाइफ विद प्लीज कम माई होम एंड शायद चली गई है लाइव विद ना, हिना हिना नाजिया मसूद वो कह रही थी लाइव हिना कह रही थी कि उसने वो कोई प्रीमियर देखना है किसी का तो वो शायद चली गई है और लाइव हिना प्लीज कम बाई होम नाजिया मसूद कह रही है इसमत से आपको और गिफ्ट दूँगी क्योंकि कॉनर आप इसमत हंस रही है नाजिया मसूद स्किल सेस आपको भी एक्स्ट्रा दूंगी। जजाक अल्लाह हर सिस्टर आ, आ, मैं क्या कहूँ आपको आप साथ हो इस तरह से साथ दे रहे हो तो यही मेरे लिए काफी है अगर आप दे सकते हो तो थैंक यू सो मच मेरे तो वैसे ही सत्तर से आगे नहीं चढ़ रहे पीछे की तरफ भाग रहे आधा रास्ता मैंने क्रॉस किया था तो मेरा ख्याल था कि आधे से निकलूंगी ना तो फिर मैं इजीली अग, अगली जो सीढ़ियां है ना वो मैं चढ़ जाऊंगी लेकिन नहीं मैं तो फंस फंस के कदम पीछे करती हूँ फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे वही कन्फ्यूज होके रह गई हुए नाजिया मसूद मेरी कम्युनिटी पे एलटीआर करना इसमत सिस लाइव विद हिना आ गई मैं फिर से थैंक यू सो मच लाइव विद हिना थैंक यू थैंक यू कुकी कॉर्नर ऑफिस मत करिए नाजिया मसूद ओके सिस्टर दूसरी भी अभी से भी कर दीजिएगा दूसरी आईडी से भी कर दीजिएगा अल्लाह पाक आपका भला करे और नाजिया स्किल सिस्टर ये वाइटी बहुत पीछा करता है पीछा क्या करता है छोड़ता ही नहीं जान वो तो चुमट के रह गया है लाइफ इतनी हिना कहती है ऐसे ही हो रहा है सबके साथ जी हाँ सबको उसने स्ट्रेस में डाल दिया आप तो टेंशन में डाल दिया टेंशन में हमने सोचा था इतनी आसान ये होगा घर बैठे बैठा हम काम कर लेंगे लेकिन ये तो डबल ट्रिपल जो है ना हमें खूब इसने ने चोर दिया ने चोर के <laughs> लाइव इतनी ना बीपी साथ है थैंक यू सो मच लाइव इतनी ना नाजिया बिस्तौर कह रही है हिना सीस वो कैसे कुकिंग कॉर्नर आफिसियल कर रही है लाइव इतनी ना प्लीज कम माय होम कुड़ियों सात मिनट रह गए ने फिर मैं भी जा सॉं मेरी तरफ से कोई चाय तो पिलाओ जी एक, एक कप चाय का होना चाहिए एक एक गिफ्ट सब एक दूसरे को करो मेरी तरफ से चाय कहती है सीमा आपी ने गिफ्ट किया था वर्टी नो आग लग गई <laughs> बिल्कुल बिल्कुल नाजिया मसूद कहती है से प्लेलिस्ट नहीं चलवाई किसी से लाइव चाय के कप दे रही है दो माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच इसकी बड़ी सख्त जरूरत है जो मैंने पी ली है अभी थोड़ी देर में करिए नहीं सीमा आपी नहीं आपने आपी नहीं किया, किया था सीमा आपी ने क्या गिफ्ट किया था कुकिंग ऑनर ऑफिस बहुत कह रही है चाय चलिए सबके लिए चाय थैंक यू सो मच इसमत नाज़िया प्ले लिस्ट से ही डब्ल्यू टी कट होता है फ्रेंड्स प्ले लिस्ट से डब्ल्यू टी कट होता है फ्रेंड्स इसका मुझे नहीं पता इसका कोई आइडिया नहीं है नाज़िया मुझे तो अगर किसी को कुछ पता है प्लेलिस्ट के बारे में तो प्लीज़ नाज़िया को आप गाइड करो जिसको पता है लाइव विदिना कह रही है सीमा पी डे फाइव हंड्रेड डब्ल्यू टी गिफ्ट किया था हिना पी ने सीमा पी ने सीमा आपी ने फाइव हंड्रेड गिफ्ट किया था हिना को माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा सीमा ने ओके नाजिया कह रही है अगर डब्ल्यू टी बढ़ाना है तो एल वी चलाए या नाजिया मूद मुझे पता है तभी बोल रही हो अच्छा ओके क्योंकि कॉर्नर ऑफिस मत करिए लाइव विद हिना आप आइएगा हमारी तरफ और लाइव ना करिए इसमत आती हूँ मेरी कम्युनिटी पे एल टी आर कर दे टेबल भी हवा दे रहे हैं नाजिया मसूद कहती है कि हिना जी इसलिए कट हुआ क्योंकि हिस्ट्री डिलीट करनी होती है 啊，对。 लाइव नहीं विद्या करिए हर जी पता नहीं और उदास होगी ये नाज़िया वसूद कहती है मैं अब नमाज पढ़ूँगी स्किल इस थैंक यू सो मच मैं भी अब पूरे टू आवर्स करके ना ऑफ कर दूँगी मेरे चार मिनट रहते हैं चार से भी तीन मिनट हो गए फिफ्टी सेकंड ऑलरेडी हो चुके तो आप जा सकती हो थैंक यू सो मच नाजिया मेरी तरफ क्या कहूँ बहुत 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 थैंक यू आपने इतना साथ दिया इतने साथ रही है अच्छी गपशप लगाई है मज़ा आया है तो बड़ा अच्छा लगा है थैंक यू सो मच नाज़िया कॉर्नर ऑफिस मत करिए हिसाब हिसाब सिस्टर आई हुई थी हिजाब सिस्टर आई हुई थी जी हाँ हिजाब सिस्टर आई थी थोड़ी देर तो वो शनाज की अभी लाइफ स्टार्ट हो गई स्टार्ट है तो फिर वह उधर चली गई है वो माशाला शनाज काफ़ी सपोर्टिव है तो मैंने कहा था कि फिर वो उनकी लाइफ स्टार्ट है आप चले जाओ इट्स ओके मुझे बेशक आप दस से पंद्रह मिनट देते हो तो ये भी मेरे लिए बहुत होते हैं इट्स ओके मैं कोई मांग नहीं करती ओके नाजिया है कोई बात नहीं स्किल्स और लाइफ हिना कहती है नाजिया सीस मेरी एलवी में अभी आया करें ला हिना आपकी एलवी मेरा ख्याल है मैं जाती हूँ कभी कभी जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं आती हूँ बेशक पाँच मिनट के लिए मसला यह है कि आप लोगों का जब लाइव स्टार्ट होता है ना तो मेरा वो बिजी टाइम होता है तो फिर मैं नहीं कर पाती टाइम और कुकिंग कॉर्नर नाफिस मत कहती है, हैदराबादी कुकिंग आप लाइव लाहना इनशाला इनशाला मैं कोशिश करूंगी जो जो मेरी एलवी को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर हाज़िर हुए हैं मैं ज़रूर जो है कोशिश करूंगी उनकी ज़रूर जॉइन करूँ ठीक है लाइव लाहना मैं पूरी कोशिश करूंगी लाइव लाहिना थैक्स अ लाट डियर विद ला, इतना आप अपनी एलवी का टाइम जरूर मेंशन कर दो अपनी कंट्री मेंशन कर दो ताकि फिर जो ज्वाइन जो करना चाहे आपने शुरू में बता देना था जब सब साथ थे ना तो फिर वो आपको ज्वाइन कर लेते देख लेते हैं चलो अभी भी आप मेंशन कर दो कि आपने किस टाइम क्या टाइम होता है लाइफ भी दिना कहती है हम सब ने ही एक दूसरे को सपोर्ट करना है जी हाँ बिल्कुल वही मैं कहती हूँ ना आगे भी कहती हूँ कि क्योंकि जिस प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं ना उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि क्या चल रहा है कैसा है और क्या हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनको ना समझ होती है तो जिसका दिल चाहा वो करेगा नहीं किया तो नहीं तो इस तरह से जो हम लोग जानते हैं ना वो एक दूसरे के अच्छे से बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं लाइव विदिना कह रही है मैं सुबह एट ए एम पे करती हूँ और शाम को भी अच्छा अच्छा शाम को भी करती है अच्छा लाइव विदिना कह रही है साथ है पीस और बस कुछ सेकंड रह गए हैं तो मैं भी चलती हूँ आप थैंक यू सो मच लाइव हिना आप साथ ही तो ओके मैं भी चलती हूँ जजाकल्ला खैर और आप सबको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ देत रखिया देत और बहुत कामयाबी हो आमीन आमीन दिल से दुआ है तो ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलूँगी कल सेम टाइम पे तो ठीक है अल्लाह हाफिज़